सो हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्वियसली योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी बातें भी पता लगेंगी जो एज एन अडल्ट आपको पता होनी चाहिए। यानी आप उम्र के जिस पड़ाव पे आज के दिन में खड़े हैं, यानी अगर आप 17 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, देन दिस इज अ पीक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट हैपन इन योर बॉडी एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, एंड काफ़ी सारी एडिक्शंस जिनके चक्कर में आप पड़ सकते हैं, आपको किस हिसाब से उन एडिक्शन से अपने आप को बचाना है, और उन एडिक्शंस के जैसे कि अल्कोहल्स के, ड्रग के, स्मोकिंग के, टोबैको के एडिक्शन से क्या क्या आपकी बॉडी पर प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं, उनको अगर आप पहले से जान लें तो आप जो है ज़्यादा सतर्क रहेंगे, एंड अल्टीमेटली आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल पाएगी मेरे थ्रू जो कि आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पर दो टॉपिक सिर्फ मैं स्किप करने वाला हूँ। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एड्स, जो कि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार एक तो हाई यील्ड टॉपिक है तो इसको अलग से पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपको अलग से 4 नंबर का काम मिल जाएगा। एंड सेकेंड टॉपिक इज कैंसर, सो कैंसर के बारे में भी एक अलग वीडियो बनेगी। सो ये दोनों वीडियोज छोटी छोटी होंगी, 15 से 20 मिनट की। इन दोनों टॉपिक्स को बस हम अलग करने वाले हैं। अदर देन दैट आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग द अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, वो आज के इस सिंगल वन शॉट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर ये चैप्टर आज आप मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लें। दोस्तों, हमारा 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बाय द कंक्रीट एनालिसिस कि आपके और नीट एग्जामिनेशन के बीच कम से कम 100 दिन अभी बचे हुए हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप 700 मार्क्स को टारगेट करें, या फिर आपके पास उतना कंटेंट हो, आपको कहीं और कंटेंट के लिए घूमना ना पड़े, आपके पास शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हो पढ़ने के लिए, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हो रिवीजन करने के लिए, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये कोर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे। काफ़ी टॉप टीचर्स यहाँ पर हैं तो आपको कोर्स में मज़ा भी आएगा, इस बात की गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। बात करते हैं दोस्त काम की, यानी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हेल्थ आखिर होती क्या है, ओके, और हेल्दी इंडिविजुअल किसे कह सकते हैं। सेकंड बात हम ये करेंगे कि डिजीजेस क्या होती हैं, इससे हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से पैथोजेंस हैं जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं, और वो बीमारियां कैसे कैसे हो सकती हैं, हमारे किस ऑर्गन को इम्पैक्ट करती हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हमें एक बीमारी से झेलने पड़ सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे उन बीमारियों की कंफर्मेशन करते हैं डॉक्टर्स लैब्स के अंदर, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। सो ह्यूमन हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो जनरल डेफिनेशन दिमाग में क्या आती है, जब आपके दिमाग में एक टर्म डाली जाती है कॉल्ड हेल्थ, हेल्थ का मतलब हमें यही लगता है कि हम यार हेल्दी हैं, यानी कि हम फिजिकली फिट हैं, हम लोग चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, अपने सारे काम नॉर्मली कर पा रहे हैं, तो हमें लगता है वी आर फिजिकली फिट एंड वी आर अल्टीमेटली हेल्दी। या सेकेंड डेफिनेशन हमारे दिमाग में ये आती है कि अगर आज के दिन में मुझे कोई भी बीमारी नहीं है तो मैं अपने आप को हेल्दी घोषित कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन पकड़े तो हेल्थ जो है एक बहुत बड़ी टर्म है। यानी कि मैंने आपको बताया हेल्थ टर्म को आप देख सकते हो इस तरीके से कि या तो आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी घोषित कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप फिजिकली फिट हो, उसके साथ साथ आप मेंटली फिट हो, और उसके साथ आप एक सोशल वेलबींग भी हो, अपने आसपास की चीज़ों को आप ठीक तरीके से देख पा रहे हो, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, इफ़ यू आर बीइंग अ सोशल वेलबींग देन यू कैन कॉल योर सेल्फ हेल्दी। यानी फिजिकल स्टेट अच्छा होना चाहिए, मेंटल स्टेट एक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो है लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, आपको एज अ सोशल इंडिविजुअल एक्सेप्ट करें आपकी सोसाइटी, ये भी आपका हेल्थ के अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है आप देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे, राइट? जब आप हेल्दी होंगे तो आपकी लाइफ उससे बढ़ेगी, यानी आप बहुत लंबे टाइम तक अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर आप हेल्दी हैं तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट भी घटेगा, यानी लोगों की मृत्यु कम होगी अगर वो ज़्यादा हेल्दी हैं तो। इसलिए हेल्थ पर अच्छा खासा एम्फेसिस आज के दिन में किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आई है जहां पर लोगों को समझाया जाए हेल्थ के बारे में, अवेयर किया जाए, जिससे लोग फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दें एंड अल्टीमेटली उनकी लॉन्गिविटी बढ़े, और उसके साथ साथ वो जो है देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क दे पाए। यानी अगर मैं एक टीचर हूँ
और मैं एक बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ वाया माई टीचिंग, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं मैक्सिमम आउटपुट लोगों को निकाल करके दूँ। लेकिन वो मैक्सिमम आउटपुट तभी हो पाएगा जब मेरी सेहत एकदम अच्छी रहेगी, तो मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, एंड सो डू यू, आपको भी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बहुत पुराने जो साइंटिस्ट थे या जो फिलोसोफर्स थे, उनका ये कहना था कि हेल्थ का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में ना बैलेंस हो कुछ ह्यूमर्स का यानी कुछ फ्लूइड्स का। तो कहा जाता था जब आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले चार फ्लूइड्स का बैलेंस एकदम प्रॉपर है तो आप अपने आप को हेल्दी कंसिडर कर पाएंगे। अगर उन चार ह्यूमर्स का कॉन्सेंट्रेशन या उन चार ह्यूमर्स का लेवल या बैलेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी कंसिडर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहां पर देखिए ब्लड विच इज द यू नो मेजर फ्लूइड, उसके बाद है आपका येलो बाइल, उसके बाद है आपका ब्लैक बाइल एंड उसके बाद है आपका फ्लेम, राइट। ये चार आपके ऐसे ह्यूमर्स थे, ये चार आपके ऐसे फ्लूइड्स थे जो पुराने लोगों द्वारा माने जाते थे, जैसे अर्ली ग्रीक जो लोग थे, जैसे कि आपके हिप्पोक्रेट्स, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में भी कहा गया कि ये जो चार ह्यूमर्स हैं ये आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, इनमें कोई भी खास फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप अपने आप को हेल्दी कंसिडर कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया है। पहले यह भी कहा जाता था कि जो लोग ब्लैक बाइल ज्यादा कंटेन कर रहे हैं, यानी जिन लोगों में ब्लैक बाइल ज्यादा पाया जा रहा है, वो हॉट पर्सनैलिटी के हैं, यानी डार्क कलर को हॉट पर्सनैलिटी से रिलेट किया गया और हाई टेम्परेचर से भी रिलेट किया गया। यानी ऐसा कहा जाता था कि येलो बाइल कम जिसमें है या ब्लैक बाइल जिसमें ज्यादा है, वो इसी वजह से है कि उसका जो येलो बाइल है वो हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लैक हो गया है, यानी उसकी बॉडी में हाई टेम्परेचर है, यानी उस बंदे को फीवर है। तो क्या कहा गया कि चार आपके ह्यूमर्स हैं, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम, और इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए एक ह्यूमन बींग के अंदर। समझ लो किसी बंदे की नाक बह रही है, तो क्या कहा जाता है, यार इसको जुकाम हो गई है, यानी इसको बीमारी है, यानी ही इज नॉट हेल्दी। तो फ्लेम जब आप देखोगे बहता हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि आप हेल्दी नहीं हो। सिमिलरली अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा मिलता है तो आप यह अंदाजा लगा पाओगे कि उसको फीवर्स है या उसकी पर्सनैलिटी बहुत हॉट है। लेकिन ये बातें आगे चल के गलत साबित कर दी गई बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई तो हमें पता लग गया यार ब्लड ही वो चीज़ है जो कि अलग अलग ऑर्गन्स तक खाना पीना लेकर जाती है, गैसेस लेकर के जाती है, एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट वहां से खींच करके लेके आती है फॉर एक्सक्रीशन। तो विलियम हार्वी साहब ने जब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, एज वेल एज जब थर्मोमीटर की डिस्कवरी हुई, तो जो लोग बोलते थे कि जिनकी बॉडी में ब्लैक बाइल है उन्हें फीवर होगा, भाई थर्मोमीटर से नाप के देख लो फीवर है या नहीं। तो हमें यह पता लगा कि जिन इंडिविजुअल में ब्लैक बाइल था भी उनको एक्चुअल में फीवर नहीं होता, यानी ये जो आपकी ह्यूमर हाइपोथेसिस थी ये गलत मानी गई, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस थी, राइट। सो यहां पर जो है जैसा लिखा हुआ है कि इट इज गिवन बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, यानी लोगों ने बस सोचा कि यार ब्लैक कलर का रेलेवेंस हाई टेम्परेचर से है, ब्लैक कलर का रेलेवेंस हॉट पर्सनैलिटी से है, तो ऐसा ही होगा। बट हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। जब हमने थर्मोमीटर से एक ब्लैक बाइल वाले पर्सन का टेम्परेचर नापा तो नॉर्मल टेम्परेचर निकला, यानी उसे बुखार नहीं था, यानी ये जो ह्यूमर हाइपोथेसिस है ये गलत है। फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि आपका जो दिमाग है यानी आपका जो माइंड है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, दो चीजों को। आपकी बॉडी में दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, पहला न्यूरल कंट्रोल, यानी आपका दिमाग से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोल हो रहा है वो नर्वस सिस्टम भी ब्रेन कंट्रोल करता है, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स जो बनते हैं वो भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं सिग्नल आपके ब्रेन के थ्रू जाते हैं। तो कंट्रोल के लिए चाहे न्यूरो कंट्रोल हो चाहे एंडोक्राइन कंट्रोल हो, ये माइंड इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा काफी साइंटिस्ट का कहना था। और ये जो न्यूरल कंट्रोल है और एंडोक्राइन कंट्रोल है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी माइंड ने कंट्रोल किया न्यूरल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, और इन दो सिस्टम्स ने कंट्रोल किया इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम आपका जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपकी हेल्थ बढ़िया होगी। यानी क्या आप कह सकते हैं कि हेल्थ और मेंटल स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। भाई मेंटल स्टेट अगर बढ़िया, माइंड अगर बढ़िया, तो न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल बढ़िया, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल बढ़िया तो ये जो आपका इम्यून सिस्टम है ये बढ़िया, और इम्यून सिस्टम बढ़िया तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, आप हेल्दी। यानी कहीं ना कहीं माइंड और हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इसीलिए मेंटली भी आपको अपने आप को पीस में रखना चाहिए।
बीमारियां अब अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो आपको माँ बाप से मिलते हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी एक ऐसा बच्चा है हु इज बॉर्न विद डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स और एबनॉर्मैलिटीज। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है 21st ट्राइसोमी, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो बच्चे को पैदाइशी होता है, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती। सेकेंड टाइप के जो डिजीजेज रहते हैं वो है इन्फेक्शियस, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारी फैलना, या एक जानवर से दूसरे जानवर तक, या किसी भी कॉजेटिव एजेंट से इंसान के अंदर बीमारी आना इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। जैसे COVID-19, इससे बेटर एग्जाम्पल तो आज के दिन में हो ही नहीं सकता। पूरी इंडिया जो है, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड जो है, ये इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। कोरोना वायरस ने सबको इन्फेक्ट किया है, हम वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं इन्फेक्ट, इसका मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। और थर्ड प्रकार की जो डिजीज़ होती है ये होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, यानी अगर आप गंदा खाना खाते हो कंटेमिनेटेड, तो आपको काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। गंदा पानी पीते हो कंटेमिनेटेड, रेस्ट ठीक से नहीं लेते हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी सारी एबनॉर्मैलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। तो तीन प्रकार की बीमारियां यहां पर होती हैं, जेनेटिक जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को मिली है, या इन्फेक्शंस, या फिर आपकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस। अब देखिए कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो इससे हमें खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी और खाने से संबंधित कोई खास बीमारी नहीं होगी। बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर सारी की सारी चीजें हैं, यानी इस डाइट के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट भी हैं, इस डाइट के अंदर आपके प्रोटीन्स भी हैं, इस डाइट के अंदर आपके फैट्स भी हैं, इस डाइट के अंदर आपके ऑयल्स भी हैं, इस डाइट के अंदर आपके विटामिन्स भी हैं, इस डाइट के अंदर आपके मिनरल्स भी हैं, एंड सो ऑन। यानी अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हो, आप अगर पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हो, साफ सफाई रखते हो, तो कोई भी डायरेक्ट इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता। रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप फिजिकली फिट भी रहोगे, यानी आपने अच्छा खाना खाया है, अच्छे तरीके से अपने आप को साफ रखा है, एक्सरसाइज की है, आपने योगा प्रैक्टिस की है, आपको पता है कौन सी बीमारी कैसे होती है, तो आपको अवेयरनेस है डिजीज के बारे में कि आपको किस पर्टिकुलर चीज पे ख्याल रखना है कि आपको बीमारी ना हो जाए, देन अल्टीमेटली यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको वैक्सीनेशन की अच्छी नॉलेज है, जैसे COVID-19 जब फैला तो काफी सारे लोग कह रहे थे यार वैक्सीन बन जाएगी तो हमें राहत मिल जाएगी, यानी उन लोगों को पता था कि हाउ डज द वैक्सीनेशन वर्क्स, वैक्सीनेशन से कैसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और कैसे आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है, इस कंसेप्ट का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने आसपास पाए जाने वाले कूड़े कचड़े को और वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर देते हैं तो भी आपको बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि काफी सारी बीमारियां फैलाई जाती हैं काफी सारे वेक्टर्स के द्वारा, जैसे कि आपकी हाउस फ्लाई जो आपके घर में मक्खी मिलती है वो आपको अलग अलग बीमारियां दे सकती है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो है, ये सारे मच्छर जो आपके घर में घूमते हैं, ये आपको चिकनगुनिया मलेरिया जैसे काफी सारी बीमारियां दे सकते हैं। तो ये मच्छर आपके घर के पास ना आए, ये रैट आपके घर के पास ना आए, ये हाउस फ्लाई जो है कंटेमिनेशन आपके घर तक ना ला पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके घर के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो। तो कूड़े कचरे को जब आप कूड़ेदान के अंदर डालेंगे और ढक्कन ढक देंगे और वो कूड़ेदान अगले दिन म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आकर के ले जाएगी, तो खुला कचरा जब अवेलेबल ही नहीं होगा इंसेक्ट्स के लिए, तो इंसेक्ट्स वहां पर ब्रीड नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो आपको एक प्रॉपर जानकारी यहां पर होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया काफी सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, तो अपने आसपास आप ठहरा हुआ पानी ना भरने दें, किसी टायर के अंदर, किसी कूलर के अंदर, कूलर के पानी को निरंतर चेंज करते रहें, क्योंकि ये जो ठहरा हुआ पानी रहता है, स्टेग्नेंट वाटर जिसे बोलते हैं, इसके अंदर मच्छर ब्रीड करते हैं और इनके लार्वा बहुत जल्दी पनप जाते हैं और ज्यादा मच्छर तैयार हो जाते हैं, और ये मच्छरों की आर्मी आसपास के घरों में जाकर के बीमारियां फैलाना स्टार्ट कर देती है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दीज वेक्टर्स, एंड आप जो है हाइजीन मेंटेनेंस पर भी ध्यान दे सकते हैं। दो तरीके की हाइजीन होती है दोस्त, एक तो होती है आपकी पर्सनल हाइजीन, यानी जिसमें आप खुद खुद की बात करते हैं, और एक होती है मेरे दोस्त आपकी पब्लिक हाइजीन, जिसमें आप समाज की और दुनियादारी की भी बात करते हैं। पर्सनल हाइजीन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी मैं नहाता धोता हूं, मैं अपने आप को क्लीन रखता हूं, तो मैं पर्सनल हाइजीन के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं अपने घर को साफ रखता हूं, हाउस को क्लीन रखता हूं, तो ये मेरे पर्सनल लेवल पे ही मैं क्लीनिंग कर रहा हूं, राइट? मैं जो है कोई भी गंदी चीज इस्तेमाल नहीं करता, तो पर्सनल हाइजीन में ये है कि क्लियर पानी, क्लियर फूड का भी हम सेवन करें। पब्लिक हाइजीन में यह है कि पार्क्स में, सोसाइटीज में जो भी चीजें हैं
यहाँ पर हम लोग उल्टी पुल्टी चीजें जमा ना होने दें, जिससे कि आसपास के सारे लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि क्लीनलीनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ पर पानी आप ना जमा होने दें तो वाटर डिस्पोजल का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। उसके अलावा जो आपका कचरा वगैरह है, गार्बेज, इसको भी आप लोग ठीक तरीके से डिस्पोज करें, जिससे कि आसपास कचरा जमा ना हो, जिससे कि वेक्टर्स वगैरह ना पनप पाए। तो हाइजीन जो है दो लेवल पे होता है, राइट? ये शायद आपको आगे बताया भी हुआ है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है आसपास। आई थिंक इस आर्टिकल के एंड में है, तो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे अबाउट पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। अब देखो यार, हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में तो हमने बात कर ली कि हेल्थ क्या होती है। आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और एक सोशल वेलबींग हो, तब जाके आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल कहा जाएगा। लेकिन आपको डिजीज कब कहा जा सकता है? When will you be called diseased? ऐसा कब कहा जाता है कि आपको एक बीमारी है? आप बीमार तब माने जाते हैं जब आपकी फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और वन और मोर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली का मतलब होता है नेगेटिवली इफेक्टेड। यानी क्या होगा, आपका एक या एक से ज्यादा ऑर्गन, एक से या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया है, अफेक्ट हो चुका है और आपका एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, यानी उसके काम पर प्रभाव पड़ा है। आपका एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, एक ऑर्गन सिस्टम या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और सिंस वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो आपकी बॉडी में कुछ साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी आपको पता लग जा रहा है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई गड़बड़ी हो चुकी है। उस केस में आप बोलते हैं कि यार आप बीमार पड़ चुके हैं, यानी आपको एक डिजीज हो चुकी है। यानी बीमार पड़ने का मतलब कम से कम एक ऑर्गन या एक ऑर्गन सिस्टम का डैमेज हो जाना, जिससे कि आपको कोई साइंस या सिम्टम्स पता लगे, जिससे आपको पता लगे कि बॉडी में गड़बड़ हो चुकी है। जैसे अगर आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन होने लग जाएगी और क्रैम्प आने लग जाएंगे, यानी मरोड़ लग जाएगी आपके पेट के ऊपर, आपको लगेगा कि किसी ने आपके मसल्स को खींच लिया है। तो वो साइन है, वो सिम्टम है, जिससे आपको पता लगेगा कि यार इंटेस्टाइन में कोई ना कोई गड़बड़ी है। आपकी बॉडी में जब कोई पैथोजन आ जाएगा तो उसे इरेडिकेट करने के लिए आपकी बॉडी कई बार आपको फीवर देती है एज अ गिफ्ट। तो फीवर एक बुरी चीज नहीं है, फीवर बस एक तरीके का साइन है कि आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ हो चुकी है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया और आपकी बॉडी ने सेंस कर लिया भाई इसको तो मुझे मारना है हॉट टेम्परेचर देके, तो आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और आपको फीवर आ जाता है। इससे आपको यह पता लग जाना चाहिए कि आपकी बॉडी में किसी पैथोजन ने एंट्री मारी है, तो आप बीमार उस वजह से हुए हो। ओके, फीवर तो जस्ट एक साइन है इस बात का कि आपकी बॉडी में किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली। ये जो बीमारियां हैं दोस्त, दो प्रकार की होती है। पहली बीमारी है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है किसी भी तरीके से, चाहे वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड हो रही हो, चाहे वो एरोसॉल्स के थ्रू स्प्रेड हो रही हो, चाहे वो मेयर टचिंग से स्प्रेड हो रही हो, कोई भी बीमारी अगर किसी भी तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है तो उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। जैसे एड्स, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। समझ लीजिए, एक मेल है जिसको एड्स है और वो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है विद अ फीमेल हु डू नॉट हैव एड्स, तो अल्टीमेटली उन दोनों को एड्स हो जाएगा आफ्टर दैट इंटरकोर्स, बिकॉज एड्स कैन बी स्प्रेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल मीटिंग। लेकिन काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं ट्रांसफर हो पाती, इन्हें नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। जैसे कि कैंसर, अगर एक इंसान को कैंसर है और उसके साथ अगर आप बैठ के खाना खाते हैं, उसके साथ अगर आप बैठ करके रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन द सेम केस इज नॉट विद मलेरिया और द सेम केस इज नॉट विद कॉमन कोल्ड। लेट्स से किसी को जुकाम है और आप अगर उसके पास बैठते हैं और उसके पेन पे उसने एक छींक मारी और एरोसोल्स लग गए और आपने अगर उस पेन को लेकर के इस्तेमाल कर लिया एंड अल्टीमेटली यू इनहेल्ड दोज पार्टिकल्स, तो आपको भी जुकाम हो जाएगी। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी बीमारियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि कैंसर है, ये नहीं फैल सकती, ये इन्फेक्शियस नहीं है। ऐसे ही आपका जो कोरोना वायरस से होने वाला COVID-19 है, जो कोविड है वो फैल सकता है। सो दे विल बी अ पार्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जबकि कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर आप ड्रग्स का सेवन करते हैं और अल्कोहल को अब्यूज करते हैं तो आपकी हेल्थ पर इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब्यूज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इनिशियली बता देता हूं, जिससे आखिरी आर्टिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर समझ लीजिए मैं बीमार था या मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन से कोप अप करने के लिए
डॉक्टर्स ने मुझे कुछ ड्रग्स दी विच आर पेन किलर्स, राइट, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पेन से बचने के लिए, मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कुछ पिल्स दी, लेकिन अगर मैं उन पिल्स को अपने मज़े के लिए खाना स्टार्ट कर दूं कि मुझे अब उनकी लत लग चुकी है, इसका मतलब आई एम अब्यूजिंग दोज ड्रग्स, यानी टेकिंग ड्रग्स इन मोर क्वांटिटी, टेकिंग ड्रग्स इन मोर क्वांटिटी देन नीडेड, and that too when not needed, जरूरत भी नहीं है उसकी लेने की। तो एक तो जिस मात्रा में हमें चीजें लेनी चाहिए उससे ज्यादा हम ले रहे हैं, और या हम उस चीज को तब ले रहे हैं जब जरूरत ही नहीं है। यानी समझ लो मॉर्फिन का मुझे एक पर्टिकुलर डोज की रिक्वायरमेंट थी विच इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, लेकिन मैंने खुद ही पर्सनली ज्यादा डोज लेना स्टार्ट कर दिया, तो एक तो ये गड़बड़ है, इसे भी हम अब्यूज मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और दूसरा, मैं ठीक हो गया, अब मुझे ऑपरेशन का दर्द भी नहीं है, और तब भी मैं अगर मॉर्फिन को खा रहा हूं तो भी दिक्कत है दोस्त, तो भी मैं इसे अब्यूज कर रहा हूं। यानी किसी चीज को जबरदस्ती ज्यादा क्वांटिटी में लेना इस अब्यूज, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो गुटखा खाना हो, चाहे वो तंबाकू खाना हो, अगर हम अपने मजे के लिए किसी चीजों को इररिलेवेंटली इस्तेमाल करने लग जाए, देन इट इज अ काइंड ऑफ अब्यूज। अब देखते हैं कि इंसानों में कॉमन डिजीजेस, कॉमन बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से पैथोजन से होती हैं। जैसे चाहे आपके बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया से भी काफी सारे डिजीज होती हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफीमूरिया, तो नाम ही टाइफी है, तो टाइफॉइड डिजीज से होती है। वायरसेस की अगर आप बात करें तो कोरोना वायरस जो कि आपको कोविड नाम की बीमारी देकर के जाता है, राइनो वायरस जो कि आपको जुकाम देकर के जाता है, फंगस जो कि आपको दाद खाज खुजली देकर के जाता है, प्रोटोजोवन जिससे आपको काफी सारी बीमारियां होती हैं, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, एंड हेलमिंथ जैसे आपको एस्कैरियासिस हो सकता है, एलिफेंटाइसिस हो सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस व्हिच यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में आकर बीमारी फैलाते हैं, इन्हें आप पैथोजन बोलते हो, राइट। सो ज्यादातर जो आपके पैरासाइट है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, सो पैरासाइट या तो आपकी बॉडी के अंदर रह सकते हैं इनसाइड योर बॉडी, जिन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट, या ये आपकी बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, स्किन पे चिपक सकते हैं, इन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो ज्यादातर ये जो पैरासाइट है ये पैथोजन होते हैं और आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, आपको बीमार बना सकते हैं। एक बार अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो ये आपकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, और ये इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ, नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर करेंगे, और एक बार ये इंटरफेयर करने लगे तो आपकी बॉडी के रिएक्शंस तो ठीक से हो नहीं पाए, उनके साथ तो इन्होंने छेड़खानी कर दी, तो आपकी मॉर्फोलॉजी में भी फर्क पड़ेगा और आपके फंक्शंस भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के साथ भी छेड़खानी हो गई तो फंक्शनैलिटी पर भी असर पड़ेगा, इसका मतलब आप ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो पैथोजन आपकी बॉडी में आता है ना, ये पूरा अडेप्ट होकर के आता है, ये तैयारी करके आता है। यानी कोई पैथोजन अगर ऐसा है जिसको पता है कि उसे आपके पेट में रहना है, तो आपके पेट के लोअर पीएच से कोप अप करने के लिए, एचसीएल में भी रहने के लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लेकर के आएगा। उसे पता है कि उसे जाकर के आपके लीवर पे चिपक जाना है, तो लीवर से क्लिंग होने के लिए वो एक एक्स्ट्रा जुगाड़ लेकर के आएगा। अगर उसे पता है, उसे आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर तैरना है, तो तैरने के लिए भी वो एक एक्स्ट्रा जुगाड़ लेकर के आएगा। यानी ये जो पैथोजन है, इनका काम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर घुस जाना और अपने आप को मल्टीप्लाई करना आपके ब्लड से खाना खा करके, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो तो एब्जॉर्ब हो जाता है इन योर ब्लड, ये डायरेक्टली जाकर के आपके ब्लड से खाना खाते हैं, तो इनको एनर्जी की कोई कमी नहीं है, ये इतने हल्के होते हैं कि अपने आप को बार बार डिवाइड कर लेते हैं और आपके अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जाने के बाद ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ छेड़खानी करते हैं, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ये अलग अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को एकदम खत्म कर सकते हैं, यानी आपको इम्पोटेंट बना सकते हैं, स्टेराइल बना सकते हैं, या आपके एक ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, और या फिर ये आपकी बॉडी में सिर्फ खाना खा सकते हैं और पड़े रह सकते हैं। हो सकता है ये स्टार्टिंग में ज्यादा असर ना दिखाए, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़े, तब ये आपको जानलेवा हमले के तहत मार दे। तो बात करते हैं अलग अलग डिजीजेस की। जैसे साल्मोनेला टाइफी है, तो ये एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीमूरिया। अब नाम ही टाइफी है तो कौन सी डिजीज होगी इससे? टाइफॉइड डिजीज होगी। टाइफॉइड डिजीज मेनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म करती है, तो जाहिर सी बात है
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को ये हार्म करेगी और आपको फीवर टाइफाइड में चढ़ जाता है। कुछ दिन पहले ही मेरे को टाइफाइड हुआ था, तो यहाँ पर आपको पता है कि फीवर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तो होंगी ही। जैसे फीवर हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थकान हो जाएगी, नींद ज्यादा आएगी, खाने पीने का मन नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें तो होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका इंटेस्टाइनल रीजन भी इंपैक्ट हो रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी फर्क पड़ेगा। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, ये सारी चीजें यूजुअली टाइफाइड में होती हैं। जैसे ये जो पैथोजन है, जैसे साल्मोनेला, आपका कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आप खराब पानी या खराब खाना जब खाते हो उसके थ्रू आपको हो सकता है। ये माइग्रेट कर जाता है आपका फिर ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनिशियली एंटर किया, फिर कहीं भी जा सकता है अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। यहां पर आपको फीवर हो जाता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी अगर आप देखें तो आपको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक का, 101 डिग्री सेल्सियस तक का, कई बार 102 डिग्री सेल्सियस तक का बुखार हो जाता है। अब बुखार में आपको वीकनेस भी होगी, इंटेस्टाइनल रीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो स्टमक पेन होगी, लोअर एब्डोमिनल रीजन में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, सर दुखेगा बुखार की वजह से, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। काफी ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी डेथ भी हो जाती है। जब आपको टाइफाइड होता है तो डॉक्टर एक टेस्ट लेते हैं आपका, जिसका नाम है विडाल टेस्ट। इस विडाल टेस्ट के थ्रू डॉक्टर्स को कंफर्मेशन आ जाती है कि आपको टाइफाइड है। एक क्लिनिकल केस देखा जाता है जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है कि एक फीमेल थी मैरी मेलन, और ये क्या थी? कुक थी, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। तो इनको क्या था? टाइफाइड था। तो ये अक्सर कंटेमिनेटेड फूड बना करके, मतलब इन्हें आइडिया नहीं था शायद, और ये जो है स्प्रेड करती रहती थी टाइफाइड टू अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। ये जब खाना बनाती थी और लोगों को खिलाती थी तो उसके थ्रू सबको टाइफाइड हो जाता था। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। यहाँ पर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, पेट में दर्द होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन से डेथ भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, बुखार आ जाता है, एंड विडाल टेस्ट से इसका कंफर्मेशन किया जाता है। सेकेंड डिजीज इज न्यूमोनिया। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नाम में ही न्यूमोनिया है तो इससे तो न्यूमोनिया हो ही सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके नाम में इन्फ्लुएंजा आ रहा है तो हमें लगता है इन्फ्लुएंजा कॉज करेगा, विच इज ऑब्वियसली अ थिंग, लेकिन ये आपका न्यूमोनिया भी कॉज करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों ही न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं, तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बोथ ए एंड बी वुड बी योर आंसर अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो। दोनों में से एक चुनने को कभी भी नहीं बोलेगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों ही न्यूमोनिया कॉज करते हैं। न्यूमोनिया में आपको पता है कि आपके जो एल्वियोलाई है, यानी जो लंग्स हैं, ये इंपैक्ट होते हैं, आपको सांस ठीक तरीके से नहीं आ पाती, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एल्वियोलाई जो है इनमें फ्लूइड भर जाता है। अब एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही गैसेस एक्सचेंज होंगी, लेकिन अब इन एल्वियोलाइज के अंदर फ्लूइड भर चुका है तो ओवरऑल इनका गैसेस एक्सचेंज के लिए जो एरिया है वो थोड़ा कम हो गया, तो इससे क्या आता है, रेस्पिरेशन के रेट में एक ड्रॉप आता है, एक गिरावट आ जाती है। सो न्यूमोनिया में भी आपको बुखार हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, चिल्स आने लगते हैं, सर्दी लगती है, खांसी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, एंड न्यूमोनिया में आपके होंठ, आपके फिंगर नेल्स, ये जो है ग्रे कलर के या ब्लू कलर के हो जाते हैं, राइट, यानी नीले हो जाते हैं आपके फिंगर नेल्स और आपके होंठ वगैरह, आपके फिंगर की टिप्स भी न्यूमोनिया के अंदर, और आपको बहुत तगड़ा बुखार जो है चढ़ जाता है। अब न्यूमोनिया जो है ये ड्रॉपलेट या एरोसॉल से ट्रांसमिट हो सकता है, यानी अगर किसी न्यूमोनिया के पेशेंट ने एक ग्लास में पानी पिया है और उसके लिप्स से ऑब्वियसली उसके सलाइवा के थ्रू उस पर कंटेमिनेशन लग चुकी है ग्लास में, इफ़ यू विल यूज द सेम ग्लास तो आपको भी न्यूमोनिया हो सकता है। तो इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज। इसी तरीके से डाइसेंट्री जो है, यह आपकी अमीबॉइड डाइसेंट्री भी होती है, अमीबिक डाइसेंट्री, यहाँ पर हम बैक्टीरियल डाइसेंट्री की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से डाइसेंट्री हो सकती है। तो बैक्टीरियल डाइसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया जो है ये भी आपके बैक्टीरिया से ही होते हैं। तो जब आपको कोई डाइसेंट्री पूछेगा ना तो अलग से पूछेगा कि भैया ये बैक्टीरियल डाइसेंट्री है या अमीबिक डाइसेंट्री है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं आगे ना, ये देखो अमीबियासिस को अमीबिक डाइसेंट्री बोला जाता है,
तो आपको नॉर्मली कोई ये नहीं पूछेगा कि डाइसेंट्री किससे होती है, आपके प्रोटोजोआ से या आपके बैक्टीरिया से। आपको बोलेगा कि बैक्टीरियल डाइसेंट्री की बात हो रही है या अमीबिक डाइसेंट्री की बात हो रही है। तो बैक्टीरियल डाइसेंट्री बैक्टीरिया से होती है, अमीबिक डाइसेंट्री आपकी अमीबॉइड प्रोटोजोवन से होती है। इनके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। अब वायरसेस जो है ये भी आपकी बीमारी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि COVID-19। तो राइनो वायरस जो है यह आपका कॉमन कोल्ड कॉज करता है। अब कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जैसे आपको कभी जुकाम लगते हैं तो क्या होता है, नाक या तो जाम हो जाता है कि भाई सांस ठीक से नहीं आ रही है, या फिर बार बार आपका नाक बहता रहता है, यानी या तो कंजेशन हो जाती है नाक में कि नाक जाम हो गया, या डिस्चार्ज यानी नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, भाई आपका गला खराब हो जाता है जुकाम में, ठीक से बोल नहीं पाते आप, होर्सनेस यानी थकान हो जाती है, नींद आने जैसी हो जाती है, खांसी आ जाती है, हेडेक हो जाता है और आपको थकान रहती है 3 से 7 दिन तक, और उसके बाद ये बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। अगर जुकाम में आपके ड्रॉपलेट्स किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर पड़ जाएं और आप जिस जगह काम कर रहे हो उस वर्क स्टेशन पे अगर कोई और आके काम करे और आपके कंटेमिनेशन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसे भी जुकाम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपके नाक जो है ये इफेक्ट हुआ, आपका थ्रोट वगैरह इफेक्ट हुआ, लेकिन लंग्स इफेक्ट नहीं हुए, यानी ये जो है आपका न्यूमोनिया की तरह कोई लंग्स में होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपका नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही बस इंपैक्ट करती है कॉमन कोल्ड। इसके अलावा कुछ आपकी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोवन से होती हैं। प्रोटोजोवन आपने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो प्रोटोजोवन से होने वाली सबसे खतरनाक जो बीमारी है इसका नाम है मलेरिया, और मलेरिया एक पैथोजन से होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। हमने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, ये आपके 4 तरीके के प्लाज्मोडियम्स हैं जिनसे बीमारी होती है मलेरिया। इनमें से प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये लीस्ट कॉमन है, सबसे अनकॉमन है, सबसे कम बीमारी कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये आपका सबसे ज्यादा कॉमन है, और इसमें से प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम जो है मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, यानी अगर आपको प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम से बीमारी हो जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है, यानी मैलिग्नेंट मलेरिया जो है सबसे सीरियस तरीका जो है मलेरिया होने का, जो कि जानलेवा होता है, वो आपका प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम से होता है। नाउ प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर आता कैसे है एंड हाउ डज इट हार्म योर बॉडी, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। ये डायग्राम थोड़ा छोटा है, इसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो इसके अक्षर थोड़े से फट गए हैं, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा का पूरा ये स्कीम समझा दूंगा एंड आफ्टर दैट हम लोग थ्योरी पे चल पड़ेंगे। हमें पता है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, जब ये हमें काटती है तो ये इंजेक्ट करती है अंदर कुछ प्लाज्मोडियम्स, एंड ये प्लाज्मोडियम्स किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म में, जिसे हम स्पोरोजॉइट कहते हैं। यानी मच्छर ने जब हमें काटा तो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म आ गया, जिसे हम स्पोरोजॉइट कहते हैं। तो स्पोरोजॉइट क्या है, स्पोरोजॉइट वो फॉर्म है जिसमें एक्चुअल में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं आप हाथ के अंदर एंटर किया, एज इन दिस डायग्राम। उसके बाद ये जो स्पोरोजॉइट है ये ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके सबसे पहले कहां जाते हैं, लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं, लिवर को बनाने वाले सेल्स का क्या नाम होता है, हेपेटोसाइट। तो ये क्या करते हैं, ये हेपेटोसाइट्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये लिवर सेल के अंदर गए, लिवर सेल के अंदर जैसे 3 आपके छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स दिखा रखे थे, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, असेक्सुअली ये डिवाइड किए, 3 से 6 बने, 6 से 12 बने, 12 से 24 बने, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, और इनका नंबर एक पर्टिकुलर लिवर सेल के अंदर इतना ज्यादा हो गया कि लिवर सेल्स फट गए। अब लिवर सेल जब फटेंगे या जब रप्चर होंगे तो ये जो स्पोरोजॉइट्स थे, ये जो सेल्स थे, इनका नंबर बढ़ गया, ये ब्लड में और ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। जब ये ब्लड में रिलीज हो जाएंगे तो दे विल गो इनटू द आरबीसीज और द रेड ब्लड सेल। अब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुके हैं तो ये फटाफट आरबीसी में घुस जाएंगे। अब आरबीसी के अंदर भी इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, आरबीसी जो है ये भी आपकी बर्स्ट हो जाएंगी, और बर्स्ट हो जाएंगी तो और ज्यादा ये जो आपके इंफेक्शियस एजेंट्स हैं ये ब्लड में रिलीज होंगे, और ये कुछ आपके केमिकल्स भी रिलीज करेंगे कॉल्ड हेमोजोइन, जिससे आपको बुखार वगैरह आ जाएगा। तो जब जब आरबीसी फटेंगी आपको बुखार आ जाएगा। अब रेड ब्लड सेल के अंदर जब बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा तो ये जो आपके इन्फेक्शियस यू नो एजेंट्स थे, इनके गैमिट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमिट, ठीक है।
इनका फ्यूजन यहाँ नहीं होगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑप्टिमल कंडीशन नहीं है इनके फ्यूजन के लिए। फिर क्या होगा, जब अगली बार आपको मच्छर काटेगा तो ये हमारा ब्लड सक करता है, तो फीमेल मॉस्किटो जब अगली बार आपको काटने के लिए आई तो एक गैमेटोसाइट इसकी बॉडी के अंदर चले गए, राइट। तो ब्लड के साथ मॉस्किटो ने खींच लिए गैमेट्स। अब ये गैमेट फ्यूज करेंगे इन मॉस्किटोज इंटेस्टाइन, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर ये गैमेट फ्यूज किए तो नए नए आपके क्या बने, स्पोरोजॉइट फिर बन गए। ये स्पोरोजॉइट कहां स्टोर हो जाएंगे, ये स्पोरोजॉइट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्टोर हो जाएंगे, जिससे कि अगली बार जब मॉस्किटो हमें काटे तो क्या हो जाए, सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट हम तक पहुंच जाए, राइट। दोबारा चर्चा करते हैं दोस्त इसकी थोड़ी सी, ओके दोबारा चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक सेकंड यार मैं अपना ओबीएस एक बार चेक कर लेता हूं। ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। देखो क्या हुआ, एक एम्प्टी स्लाइड ले लेता हूं और उसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या यहां पर चीजें हमें देखने को मिली। देखो यार, ये एक मॉस्किटो है, थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, ओके। जो एड में आता है ना एक लुई, वो वाला मॉस्किटो हम बना लेते हैं। अब इस लुई ने हमें डंक मार दिया हाथ के ऊपर, तो इस लुई ने डंक मार दिया तो अंदर क्या आ गए, स्पोरोजॉइट, ठीक है, स्पोरोजॉइट आ गए, विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज। अब ये स्पोरोजॉइट कहां चले गए, लीवर के अंदर। अब लीवर में जाकर के इन्होंने अपना नंबर खूब बढ़ाया और लीवर के जो सेल्स थे इन्हें फाड़ दिया, तो और ज्यादा ब्लड के अंदर सेल्स बढ़ गए, स्पोरोजॉइट्स बढ़ गए। फिर ब्लड के अंदर आते ही एंटर कर गए आरबीसी में और इन्होंने डिवाइड कर करके आरबीसी को भी फाड़ दिया, तो ब्लड में इनका नंबर और बढ़ गया, ब्लड में इनका नंबर और बढ़ गया, और यहां पर आरबीसी जो है ब्लड में इनका नंबर और बढ़ा, ठीक है, मतलब स्पोरोजॉइट्स और ज्यादा हो गए। अब यहां पर आरबीसी के अंदर क्या होंगी, ये जो आपके स्पोरोजॉइट थे ये गैमेट बनाने लग पड़ेंगे, मेल गैमेट बने एंड फीमेल गैमेट बने, तो ये फ्यूज तो हमारे अंदर हो नहीं सकते। तो क्या होगा, जब मच्छर हमारा खून दोबारा चूसेगा तो ये मच्छर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट मच्छर की बॉडी के अंदर गए, इंटेस्टाइन में जाकर ये फ्यूज हो गए, इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के ये फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद जो और स्पोरोजॉइट्स बने वो सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो गए, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टोर हो गए, और यहां पर फिर सलाइवरी ग्लैंड से हमारी बॉडी के अंदर आ गए। ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे प्लाज्मोडियम जो है इसका इन्फेक्शियस फॉर्म जो है इसे हम स्पोरोजॉइट बोलते हैं, जो मच्छर ने हमारे अंदर डाला, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब हमें काटेगी तो स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड के अंदर आ गए, ये चले जाएंगे लीवर सेल्स तक, लीवर सेल्स को फाड़ते हुए ये चले जाएंगे आरबीसी में और आरबीसी भी रप्चर हो जाएंगी और एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसका नाम है हेमोजॉइन, जिसकी वजह से हमें चिल्स और बुखार आता है, जो कि हर 3-4 दिन में आता है हमें ड्यूरिंग मलेरिया। उसके बाद यहां पर क्या बनेंगे, आपके गैमेट्स बनेंगे जो कि इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो के अंदर फ्यूज करेंगे और सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाएंगे। जब अगली बार मच्छर हमें काटेगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फिर से एंटर कर जाएंगे। तो दो होस्ट की जरूरत पड़ती है आपके प्लाज्मोडियम को, पहला ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो, दोनों की बॉडी में इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। ह्यूमन के अंदर असेक्सुअल साइकिल चल रही है प्लाज्मोडियम की, जबकि मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल चल रही है। मॉस्किटो एक वेक्टर का भी काम करता है, यानी ये प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचाने का भी काम करता है, दिस इज द थिंग। ऑलराइट, अब एक और आपका यहां पर प्रोटोजोवन है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, नाम में अमीबा आ गया, तो ये जो बीमारी कॉज करता है वो है अमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइनल रीजन में यानी लोअर एब्डोमिनल रीजन में काफी सारी प्रॉब्लम से करेगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन होंगे, क्रैम्प्स होंगे, यानी मसल्स आपकी बहुत ज्यादा मुरड़ जाएंगी, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी जो स्टूल आएगा, जो एक्सक्रीटरी मैटर आएगा उसमें म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। हाउस फ्लाई जो है ये मैकेनिकल कैरियर हैं इस बीमारी को फैलाने के लिए, यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको अमीबिक डाइसेंट्री है, अगर वो खुले में शौच करता है और उसके ऊपर मक्खियां बैठती हैं, तो वो मक्खियां आकर के आपके खाने को कंटेमिनेट करेंगी और आपका खाना
अगर कंटेमिनेटेड है आप उस खाने को खा लेते हो तो आपको भी डायसेंट्री हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इससे काफी सारी बीमारियां फैलती हैं। तो एक तो खुले में शौच से ये बीमारी होती है अमीबिक डायसेंट्री, और एक मैं आपको आगे बताऊंगा जो कि आपकी एस्केल्मिंथ से बीमारी होती है, राइट? यही सामने बोलते ही आ गए। तो एस्केरिस जो है विच इज कॉमन राउंड वॉर्म एंड बुचरेरिया जो है जिसे आप फिलेरियल वॉर्म बोलते हो, इन दोनों से होने वाली बीमारियों को हमें पढ़ना है। तो बुचरेरिया के भी दो अलग अलग स्पीसीज हैं, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाय एंड बुचरेरिया मेलाय। बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुचरेरिया मेलाय से होने वाली बीमारियों के बारे में हमें पढ़ना है। इनसे एलिफेंटाइसिस होता है जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एस्केरिस जो है यानी आपका सबसे कॉमन जो राउंड वर्म है, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म करता है। एस्केरिस से होने वाली बीमारी को एस्केरियासिस कहा जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों के नाम में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। अब यहां पर आपको इंटेस्टाइन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, मसल्स में पेन होने लगेगा, बुखार चढ़ जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा यानी अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये जो पैरासाइट है अगर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है तो ये अपने एग्स जो है हमारे इंटेस्टाइन में ही दे देता है, और हमारे इंटेस्टाइन से पता है आपको फीकल मैटर हमारे एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जब हम एक्सक्रीशन करेंगे खुले में जब हम शौच करेंगे तो ये जो पैरासाइट के एग है ये भी खुले में पड़े रहेंगे और ये मिट्टी को कंटेमिनेट करेंगे, आसपास के पानी को, या वो प्लांट्स जिन्होंने उस मिट्टी को, उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर लिया है उन्हें कंटेमिनेट करेंगे। और अगर आप इस पानी को, उस जमीन में उगी हुई वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, या मिट्टी को जिसमें क्रॉप उग रही है उस क्रॉप को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये बीमारियां फैल जाएंगी। इसीलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए। बुचरेरिया जिसके दो टाइप्स मैंने आपको बताए, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाय और बुचरेरिया मेलाय, ये आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देते हैं यानी स्लो पेस पे काफी सालों तक ये इन्फ्लेमेशन होती रहती है और आपका पूरा का पूरा जो लोअर लिम्ब है ये सूज सकता है और आपके जेनाइटल रीजन जो है इन पर भी स्वेलिंग आती है। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है आपके लोअर लिम्ब की जो यूजुअली यहाँ प्रेजेंट रहती हैं इस रीजन के अंदर जहां पे आपका जेनाइटल रीजन और आपका लेग कंबाइन हो रहे हैं, इनके जंक्शन के ऊपर जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स रहती हैं और यहाँ के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं इनमें सूजन आ जाती है, और ये जो सूजन है, ये जो स्वेलिंग है, ये नीचे तक बढ़ती रहती है और आपके पाँव जो है वो हाथी जैसे हो जाते हैं। इसीलिए इसे हाथी पाँव डिजीज या एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है, राइट? सिंस आपके जेनाइटल रीजन्स भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं तो काफ़ी बार आप स्टेराइल भी हो सकते हैं इस डिजीज से। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मॉस्किटो वेक्टर से होने वाली डिजीज है, तो मच्छरों से इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इनसे चिकनगुनिया, डेंगी, मलेरिया और ना जाने कितने ही अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अधिकतर बीमारियां मच्छरों से ही फैलती हैं, मक्खियों से फैलती हैं, बट एक्चुअल जो इसका कॉजेटिव एजेंट है दैट इज बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाय एंड बुचरेरिया मेलाय। अगर आप फंगस की बात करें तो फंगस जो है इसके तीन जीनस कॉमनली बीमारी कॉज करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम यानी छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, ये दोनों जो है फाइटॉन, इसमें एपिडर्मा वर्ड आ रहा है, डर्मा मतलब स्किन की लेयर जो होती है अपर लेयर, उसे डर्मा बोलते हैं। जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज डर्मेटोलॉजिस्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज डर्मेटोलॉजी। तो डर्मा वर्ड से आप यहां पर याद कर सकते हो कि अपर स्किन की बात हो रही है, स्किन की, स्कैल्प की, इन सारी चीजों की बात हो रही है। तो आपको क्या हो जाती है, इस प्रकार की दाद हो जाते हैं, ओके? आपने इचगार्ड की एड में देखा होगा कि दाद, खाज, खुजली से बचे। तो काफी सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर दो स्किन आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसे उंगली के बीच की जगह है, तो आपको यूजुअली खुजली यहाँ पे होनी स्टार्ट होगी क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे पसीना बहुत आता है, एंड पसीना मतलब ह्यूमिड जगह है, मॉइस्ट जगह है, लिक्विड है ना वहां पे, एंड दो स्किन जब आपस में रब हो रही है, टच हो रही है, तो गर्मी भी जनरेट होगी, यानी वार्म और ह्यूमिड जगह है। वार्म और ह्यूमिड जगह फंगस के ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएगा और आपको एक दाद दे जाएगा। फिर आप अगर यहाँ पे खुजली करते हैं, दाद में खुजली होती है और मीठी खुजली होती है, आप कई बार खुजाते हैं टू गेट रिलीफ, और उसको आप कहीं और अगर रब कर लेते हैं तो इस जगह पे कहीं भी आपको ये फंगल डिजीज जो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि फंगस डिजीज
को कभी भी आपको खुजाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए या इचगार्ड लगा लेना चाहिए। तो यहां पर क्या होते हैं, रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, किससे, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन से। इसमें ड्राई स्केली लेजन्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर काफी बार नेल्स के ऊपर खुरदरापन और आपकी स्कैल्प के ऊपर सर के ऊपर जो है आपको दिखाई देने लग जाते हैं दाद। इनमें इंटेंस इचिंग होती है यानी खुजली होती है, ऐसे जगह जहां पे हीट और मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है जैसे स्किन फोल्ड्स के ऊपर, यहां पर सबसे ज्यादा आपको रिंग वॉर्म्स होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ऐसा बंदा जो कि इन्फेक्टेड है, उसके टॉवल्स क्लोथ या इनफेक्ट सिंस स्कैल्प पे भी ये फंगल डिजीज होती है, तो उसका कंघा भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। अब मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में एक बात बताई थी पर्सनल और पब्लिक हाइजीन की, दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे पर्सनल हाइजीन क्या है, मैं अपनी बॉडी को क्लीन रखता हूं, तो पर्सनल हाइजीन है। क्लीन ड्रिंकिंग करनी है मुझे वाटर की, आई मीन आई नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर, आई नीड टू ईट क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल्स, क्लीन फ्रूट्स, तो ये पर्सनल हाइजीन के अंदर चीजें आ रही हैं। लेकिन पब्लिक हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो कचरा जो है प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए, एक्सक्रीटा जो है यानी म्यूनिसिपल वेस्ट जो है प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए, वाटर रिजर्वायर जो है आपके घर के आसपास कॉलोनी में सोसाइटी में उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, जो पूल्स है सेस पूल्स है या टंकियां हैं जिनमें पानी आपका जमा होता है, उन पानियों की क्लीनिंग होनी चाहिए, उस पानी को आपको निकाल के फेंक देना चाहिए कि कहीं और वो जमा ना हो, स्टैग्नेंट वाटर जमा नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं, तो उनके लिए यू नीड टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स। जैसे काफी सारी ऐसी बीमारियां जो गंदे खाने और गंदे पानी से होती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्कारियासिस, इनमें आपको क्या करना है कि फूड कंटेमिनेशन नहीं होने देनी, खुले में शौच नहीं करना, वाटर कंटेमिनेशन नहीं होने देनी, तो आप खाने और पानी को स्वस्थ रख पाओगे एंड अपने आप को भी स्वस्थ रख पाओगे। लेकिन अगर कोई बीमारी हवा से हो रही है, तो आपने अच्छा खाना खाया, अच्छा पानी पिया और कोई तुम्हारे मुंह पे आके छींक गया, भाई तब भी तो बीमारी होगी ना। तो डिपेंड्स अपॉन बीमारी टू बीमारी। सो टाइफॉइड से बचने के लिए तो अच्छा खाना अच्छा पानी चाहिए, लेकिन एयरबॉर्न डिजीज जैसे न्यूमोनिया से बचने के लिए, राइनो वायरस द्वारा कॉज किए हुए कॉमन कोल्ड से बचने के लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना पड़ेगा, उनकी सारी चीजों से खुद को दूर रखना पड़ेगा, उनकी बिलोंगिंग्स को हाथ नहीं लगाना है जब तक वो डिसइन्फेक्ट ना हो जाए, और इन बीमारियों को फैलाने वाले वेक्टर्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे काफी सारी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो और फ्लाइज आपकी फैलाती हैं, और ये जो मॉस्किटो है ये रुके हुए पानी में ग्रो करते हैं, तो आपको स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होने देनी, कोई कूलर है जिसमें 20 दिन से पानी भरा हुआ है उसके अंदर मच्छर के लार्वा पनप सकते हैं उसको खाली करो, मॉस्किटो से बचने के लिए मच्छरदानी लगाओ, नेट लगाओ। एक मछली आती है जिसका नाम है गंबूसिया, इसे आसपास के तालाबों में डालो। क्यों भैया? क्योंकि गंबूसिया जो है वो मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है, यानी मॉस्किटो ने अपने बच्चे जो पनपने के लिए छोड़े हैं पानी में उन सबको खा जाएगी गंबूसिया, तो ऑटोमेटिकली आसपास मच्छर नहीं आएंगे। इंसेक्टिसाइड डालो डिचेस के अंदर, जहां थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है ना, जहां पर छोटे मोटे गड्ढे हैं उनके अंदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो जिससे लार्वा मर जाए। अपने घर के दरवाजों को अगर आपको खुला रखने का शौक है, काफी लोग होते हैं भाई रोशनी आ रही है हवा आ रही है, तो आप दरवाजा खुला रखो लेकिन बाहर जाली लगा लो, वायर मैश आप लगा लो। क्योंकि जैसे एडीज मॉस्किटो है, आपने देखा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से आपको मलेरिया वगैरह मिल जा रहा था, प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आ जा रहा था, इसी हिसाब से एडीज मॉस्किटो से आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया जो कुछ महीनों पहले आपने केस सुना था दिल्ली में काफी ज्यादा फैल रहा था, और उसके प्रचार में फिर अरविंद केजरीवाल साहब जो है टीवी के ऊपर भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यू नो घर के आसपास पानी नहीं भरने देना और सिर्फ अपने 10 मिनट हमें कंट्रीब्यूट करने हैं हर संडे को, विच वॉज अ गुड थिंग टू बी टोल्ड टू एवरी वन फॉर यू नो गेटिंग बेटर क्लैरिटी कि ये सारी बीमारियां फैलती कैसे हैं, जिससे सबको एक जागरूकता मिले, एक अवेयरनेस मिले, राइट? सो यहां पर दोस्तों हमें इनको कंट्रोल करना है, इन सारे वेक्टर्स को भी। अब काफी सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हमने वैक्सीन्स तैयार कर ली हैं पिछले 100 सालों के अंदर, इम्यूनाइजेशन तैयार कर ली है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी जब स्मॉल पॉक्स आया था इनिशियली, लेकिन आज के दिन में इस बीमारी का नाम आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन बुक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी पूरे तरीके से इरेडिकेट कर दी गई है, इसके खिलाफ वैक्सीन बहुत पहले बन चुकी थी।
और आज के दिन में हम लोग अलग अलग चीजों के ऊपर भी वैक्सीन बना रहे हैं एंड वी आर टारगेटिंग वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी बनानी पड़ी बिकॉज पूरा अर्थ खत्म हो जाता अगर हम ठीक से वैक्सीन नहीं बना पाते तो। काफी सारे लोग थे जो इम्यून हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे वायरस जो है वो भी अपने आप को बेहतर बनाता जाता है म्यूटेट करके। तो अगर हम लोग एक सही समय पे सही कदम नहीं उठाते तो आज शायद हम लोग बिना मास्क के नहीं घूम पा रहे होते। हालांकि बिना मास्क के अब भी नहीं घूमना चाहिए। सो आए तो टेक प्रिकॉशंस काफी सारी जगह पे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग फैमिली के साथ अब ठीक से बात कर पा रहे हैं, काफी कम केसेस कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। सो वैक्सीनेशन हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इरेडिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। जैसे पोलियो है, तब इंडिया में पोलियो का जो स्तर है वो एकदम खत्म हो चुका है। जिनको पहले पोलियो था सिर्फ वही काउंटिंग में आ रहे हैं। नए जो बच्चे हैं, इनको कहा जाता था ना दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन साहब ऐड करते थे, सचिन तेंदुलकर साहब ऐड करते थे, तो लोगों में जागरूकता फैली कि यार ये दो बूंद पीने से सच में जिंदगी मिलती है, और अब पोलियो इंडिया से गायब हो चुका है। डिप्थेरिया जो है, न्यूमोनिया जो है, टिटनस जो है, इनको भी एक हद तक कंट्रोल कर लिया गया है बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। और बायोटेक्नोलॉजी, सिंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको समझने में और आसानी होगी कैसे हम वैक्सीन बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एनिमल प्रोटीन जो है, यानी एंटीजन जो है, उसके खिलाफ आप किस प्रकार से वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्यूनिटी विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी होती है, किस किस कॉजेटिव एजेंट से होती है, उनका बॉडी पर क्या प्रभाव है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इम्यूनिटी एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो ये तीन पार्ट है। फिर अलग से जो हम दो वीडियोस बनाएंगे उनमें हम एड्स और कैंसर के बारे में जानकारी जुटा लेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। तो दोस्तों, कोविड आने के बाद इम्यूनिटी नाम के इस शब्द से हम सब लोग कहीं ना कहीं वाकिफ हो चुके हैं। हम सब लोगों को पता है कि इम्यूनिटी का मतलब है बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता, यानी हमारी कैपेबिलिटी। अगर हम लोग बीमारियों से अच्छे तरीके से लड़ पा रहे हैं, एक साल के दौरान अगर हम कम बीमार पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादातर जो पैथोजेंस इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको अगर हम मार गिराते हैं, देन वी आर इम्यून टू दोज पैथोजन। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। लेकिन वहीं पर अगर कोई भी पैथोजन आकर के हमें बीमार बना सकता है, इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और हम कम इम्यून हैं। तो आपको पता है कि एक दिन में एक बहुत बड़ा नंबर होता है माइक्रोब्स का और वायरसेस का और बैक्टीरियाज का, जिन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन कहते हैं, जिनका आपसे पाला पड़ता है। अगर मैं बात करूं इस स्टाइलस की, तो इस स्टाइलस पर भी मुझे काफ़ी सारे माइक्रोब्स मिलेंगे। मुझे याद है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने हमारे पॉकेट में पड़े हुए नोट को एक बार रब किया था कल्चर मीडिया के ऊपर, ये जानने के लिए कि क्या उस नोट के ऊपर बैक्टीरियाज हैं। और जब अगले दिन यानी 12 से 14 घंटे बाद आकर जब हमने उस कल्चर प्लेट को देखा, तो हमने पाया वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ थी, यानी वो जो नोट है जो आपके पर्स में पड़ा रहता है उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं। कभी कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास ये लैब की फैसिलिटी आए तो एक जो हैंडल है जिसको हजारों लोग छूते हैं ऑन डेली बेसिस, उस हैंडल पे एक टिश्यू रब कीजिए और उस टिश्यू को कल्चर मीडिया पे थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ टच करवा दीजिए, तो टिश्यू पर जो भी बैक्टीरिया आए होंगे उस हैंडल से वो कल्चर मीडियम तक पहुंच जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो भी ग्रो करके आपको अगले दिन 12 से 14 घंटे के अंदर कॉलोनीज दे रहे होंगे। यानी स्टेबल के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर, मेरे कैमरा के ऊपर, लाइट्स के ऊपर, स्टाइलस के ऊपर, मेरी कॉपी के ऊपर काफी सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन क्या वो मुझे बीमार कर पा रहे हैं? द आंसर इज नो। मैं अपने आप को इन सारे बैक्टीरिया से डिफेंड कर सकता हूं क्योंकि मेरी एबिलिटी जो है फाइट करने की इन पैथोजेंस के साथ वो काफी ठीक है। इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो अगर आपके साथ हजारों बैक्टीरियाज का पाला पड़ रहा है एक पर्टिकुलर दिन में, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपको बीमार कर पाए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन एक आधा जो सबसे तगड़ा बैक्टीरिया है वो आपको बीमार बना सकता है। तो आपकी बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं आपको इनके बारे में बेसिक जो बातें हैं वो यहीं बता देता हूं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। इननेट का मतलब जो आपके अंदर इनहेरिट हुई है, यानी जो आपके अंदर मम्मी पापा से आई है, यानी ऑलरेडी बाय बर्थ इम्यूनिटी से कहा जाता है, बाय बर्थ आपकी बॉडी में ये ऑलरेडी पाई जाती है। और क्योंकि ये बर्थ के टाइम पर ही आपके अंदर प्रेजेंट है इम्यूनिटी, तो ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती, इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब डजंट मैटर वेदर इट इज अ वायरस,
whether you know that virus, whether you don't know that virus, कोई नया वायरस है, पुराना वायरस है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वायरस को रोकने का काम innate immunity करेगी। लेकिन acquired immunity क्या है? अब नाम ये acquired, ये आप acquire करते हो अपनी life time के दौरान। अब आपका रोज कितने वायरसेस बैक्टीरिया से पाला पड़ रहा है, उस बेसिस पे आपकी बॉडी एक मेमोरी तैयार करती है, और यही बेसिस है आपके वैक्सीनेशन का। समझ लीजिए वैक्सीनेशन में क्या है, समझ लो मैं पोलियो की दो बूंद पी रहा हूँ, दो बूंद जिंदगी की क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में मैं उस पोलियो की वैक्सीनेशन के दौरान। एक डिसहार्म्ड पैथोजन जो है, एकदम मरा हुआ डेड पैथोजन जो है, वो मेरी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब चाहे पैथोजन डेड ही क्यों ना हो, उसके प्रोटीन्स तो रहेंगे, वो प्रोटीन्स जब मेरी बॉडी में जाते हैं तो मेरी बॉडी जो है, अब पैथोजन तो डेड है तो बीमारी तो कॉज कर नहीं पाएगा, लेकिन उन प्रोटीन्स के खिलाफ मेरी बॉडी वेपन्स बना के रख लेती है कि यार अगली बार ऐसा कोई प्रोटीन दिख गया ना तो इसकी धज्जी उड़ा दूंगा मैं। अब समझ लो एक्चुअल पोलियो वायरस अगर कभी आता है तो उसके प्रोटीन को क्या हम देख करके पहचान जाएंगे, अरे हाँ यार ये तो वही प्रोटीन है जो याद है बचपन में एक बार दो बूंद जिंदगी की ली थी, तो यार इसके खिलाफ ना मैंने एक अस्त्र बनाया था, वो अलमारी में रखा हुआ है, जरूर उठा के लेके आओ जरा फटाफट, और इसका सर फोड़ देता हूं मैं, और सर फोड़ देंगे, यानी हमें बीमारी वो नहीं होगी क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट जो वेपन्स थे वो बना के तैयार कर रखे हैं। तो जितने ज्यादा वायरसेस, जितने ज्यादा प्रोटोजोवंस, जितने ज्यादा बैक्टीरिया से आपका पाला पड़ेगा, उतनी ही आपकी मेमोरी प्रोफाइल जो है बूस्ट होती जाएगी, उतने ही ज्यादा चीजों के प्रति आप हथियार बना बना के रखते जाओगे, स्टॉक करते जाओगे। तो ये बहुत स्पेसिफिक तरीके की इम्यूनिटी होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें एक स्पेसिफिक पैथोजन को ही किल करना होता है। एंड यहां पर मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है भाई, याददाश्त का बहुत बड़ा रोल है। 2 साल की उम्र में आपको एक वैक्सीन लगी, 20 साल की उम्र में वो वायरस लौट करके आया तो आपने पहचान लिया, अरे यार ये वही वायरस है, इसको मारना पड़ेगा, तो आप उसे मार देते हो। तो मेमोरी का यहां पर बहुत बड़ा रोल है। अब देख लेते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोवन, सब पे ये जो है अटैक करती है, एंड ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जैसे कि कुछ बैरियर्स हैं, जैसे आपकी बॉडी के फिजिकल बैरियर, 2 प्रकार के बैरियर होते हैं फिजिकल में। पहली आपकी स्किन, जो कि किसी भी चीज़ को एंटर करने से रोकती है आपकी बॉडी के अंदर, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके काफ़ी सारे ट्रैक्ट हैं जो म्यूकस द्वारा लाइंड होते हैं। अगर उस ट्रैक्ट के अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो म्यूकस जो है उसे अपने अंदर समा लेगा, यानी समझ लो ये एक बैक्टीरिया है, ये घुसने की कोशिश कर रहा है आपका ट्रैकिया के अंदर, तो आसपास का जो म्यूकस है ना वो लिपट जाएगा इस पैथोजन के अंदर। तो ये म्यूकस कोटेड पैथोजन जो है, अब आप जब छींक मारेंगे तो आपके नाक से बाहर निकल जाएगा या मुंह से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो आपका जो ट्रेकिया है इसमें इरिटेशन होने लग जाती है जब कोई पार्टिकल ट्रैप होता है, और वो धीरे धीरे सिलिया होते हैं यहाँ पर, जिनकी मदद से ऊपर भेज दिया जाता है। और जब आपके नेजल पैसेज में इरिटेशन होगी और आप छींक देंगे तो ये पार्टिकल बाहर चला जाएगा। तो स्किन जो है ये आपका मेन बैरियर है, इसीलिए जब आपको चोट लगती है तो आप उसके ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि जो चोट है जहाँ से आपकी स्किन कटी है उससे कोई भी डस्ट के थ्रू पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री पा सकता है, इसीलिए आपको उसे ढक लेना चाहिए। एंड म्यूकस कोटिंग जो है आपका, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो उसकी, जो मैंने आपको रेफरेंस लेकर के बताया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, चाहे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की जहां पे ओवम की मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये सारी जो चीजें हैं ये भी माइक्रोब को ट्रैप कर सकती हैं, अपनी बॉडी में एंटर होने से रोक सकती है। सेकेंड प्रकार के जो बैरियर होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब ये फिजिकल बैरियर नहीं है, राइट। फिजिकल बैरियर मतलब आपकी एक फिजिकल शीट है जो कि बैरियर का काम कर रही है, लेकिन यहाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर है या कुछ केमिकल्स है जो बैरियर का काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपका कोई बैक्टीरिया आपके पेट में आ जाता है तो उसको मारने के लिए हमारे पास HCl है, एसिड है। कोई बैक्टीरिया आपके मुंह में घुस जाता है तो सलाइवा है, आंख में कुछ चला जाता है तो टीयर्स है वहां पे। यहां पे क्या होता है, ये जो सलाइवा और टीयर्स है इनमें क्या होता है दोस्त, लाइसोजाइम होता है। एंड लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम इज एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, यानी अगर कोई बैक्टीरिया आपके मुंह में घुसने की कोशिश करता है तो वहां पे प्रेजेंट लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को पहले ही लाइस कर देता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। सेलुलर बैरियर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को या वायरसेस को या अलग अलग पैथोजन को मार देते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट यानी आपके WBC, जिन्हें कहा जाता है वॉरियर्स ऑफ द बॉडी, या आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं।
इनमें भी पीएमएनएल सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर आपके ल्यूकोसाइट। ओके, तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस हमने देखे थे कि आपके फैगोसाइटिक थे, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस और आपके नेचुरल किलर सेल, नाम ही है नेचुरल किलर, तो इनका काम ही है पैथोजेंस को किल करना। तो मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, एनके सेल्स है यानी नेचुरल किलर सेल एंड पीएमएनएल है, ये आपके अलग अलग पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस करते हैं और उन्हें मार देते हैं। एंड चौथा जो बैरियर है ये साइटोकाइन। साइटोकाइन मतलब कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स बनते हैं आपकी बॉडी में जो कि किल कर देते हैं पैथोजन को एंड स्पेशली वायरसेस को। तो यहाँ पे एक केमिकल बनता है कॉल्ड इंटरफेरॉन, जिसे आप आईएफ भी लिखते हैं। तो इंटरफेरॉन जो है ये क्या है, ये केमिकल है जो बाकी सेल्स की रक्षा करता है। समझ लीजिए एक वायरस है जो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर घुस गया है आपकी बॉडी के। सो ये मेरी बॉडी का एक सेल है, ये मेरी बॉडी का एक सेल है, इसके अंदर क्या घुस चुका है, इसके अंदर वायरस घुस चुका है, इसके अंदर वायरस घुस चुका है। अब ये जो सेल है इसके पास क्या ऑप्शन है बाकी सेल्स को बचाने का, ये ढोल बजाकर सबको बता देगा भागो भागो गुंडे आ गए, भागो भागो गुंडे आ गए। ठीक है, तो ये ढोल बजा देता है, वो ढोल क्या है, एक केमिकल। यहां पर ये सिक्रीट कर देता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन रिलीज होते ही बाकी सेल्स को पता लग जाता है कि भैया अपनी परमिएबिलिटी चेंज कर लो और कोई भी वायरस आए तो उसे अंदर मत घुसने देना, जिससे कि बाकी सेल्स वायरसेस से बच जाए। हालांकि वायरस अगर बहुत स्ट्रांग है तो घुस के रहेगा, लेकिन एक कोशिश कर सकता है सेल अपने आप को बचाने की थ्रू दीज केमिकल्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो चार तरीके के बैरियर्स होते हैं, एक तो फिजिकल बैरियर यानी शीट है, जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो चीजों को अंदर आने से रोकती है, ट्रैप कर लेती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे आंसू हैं, हमारा सलाइवा है, हमारे पेट में बनने वाला एचसीएल है। तीसरे हैं आपके सेलुलर बैरियर यानी सेल्स, जैसे पीएमएनएल है, मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, नेचुरल किलर सेल है। और चौथा आपका साइटोकाइन बैरियर यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जो पैथोजन के आने पे सिक्रीट होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है। अब बात है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, विच इज सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है क्योंकि जब एक पैथोजन आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और हमें मेमोरी में आ जाएगी ये चीज, हमारी लाइब्रेरी में फीड हो जाएगा कि हमने ऐसे पैथोजन को कभी ना कभी देखा है। लेट से जब मैंने पोलियो वैक्सीन ली तो वहां पर जो पोलियो का वायरस मेरी बॉडी के अंदर गया है वो तो मरा हुआ है, तो बीमारी कॉज नहीं करेगा, तो मैं पूरा टाइम लेकर के रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि पहला जो रिस्पॉन्स होता है ना उसमें टाइम लगता है। अब सोचो एक वायरस है, ओके, गुंडा वायरस है, तो उसको गुंडे जैसा बनाएंगे हम लोग। ये गुंडा वायरस है, ये पहली बार आया हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी ने इसको पहली बार देखा है तो यार रिएक्शन स्लो होगा, ये समझ लो एक कुल्हाड़ी से मरता है। तो हमारी बॉडी ने बोला अरे यार इस कुल्हाड़ी का ना हत्था बनाना है, चलो एक पेड़ काट के लाते हैं, हत्था बनाते हैं, और दूसरे वाले को भेजा भैया मेटल इंडस्ट्री में कि भैया मेटल लेके आओ, एक बढ़िया तरीके की जो है स्पेसिफिक शेप से ही ये मरता है। तो ऐसे प्रकार की जो है हम लोग एक कुल्हाड़ी तैयार करेंगे, एक एक्स तैयार करेंगे। तो यहां पर आपको लकड़ी लाने में टाइम लगा, उससे हत्था बनाने में टाइम लगा, मेटल लाने में टाइम लगा, उससे आपको ये जो कटर है ये बनाने में टाइम लगा और इनको जोड़ने में भी टाइम लगा। तो पहला जो रिस्पॉन्स है ये स्लो होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपके पास बल्क में बनती हैं ये चीजें। अब ये कुल्हाड़ी आपके पास बल्क में है यानी आपने 10, 12, 15, 20 कुल्हाड़ी बचा के रखे। तो ये पहली बार जब आपकी बॉडी में आया फर्स्ट एनकाउंटर आपका कंपैरेटिवली स्लो है, इसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन जब यही बंदा, अब ये तो कुछ उखाड़ नहीं पाया क्योंकि ये तो डेड था, जब हमने पोलियो वैक्सीन ली तो हम बीमार भी नहीं हुए और हमने इसी चक्कर में कुल्हाड़ी भी बना ली। अब ये आया आपकी बॉडी में 10 साल की उम्र में, तो आपने देखा कि यार अरे यार ये तो देखा देखा लग रहा है, बचपन में ना इसके लिए कुल्हाड़ी बनाई थी हमने। अब ये वाली जो कुल्हाड़ी है फटाफट उठा करके तब की तब मार दोगे तो एकदम रैपिड और रॉबस्ट रिस्पॉन्स आएगा, रैपिड और रॉबस्ट रिस्पॉन्स आएगा और ये जो आपका वायरस है ये किल हो जाएगा। इसे कहते हैं अनामनेस्टिक रिस्पॉन्स या फिर रॉबस्ट रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि हाई इंटेंसिटी का रहता है। तो जब आपकी बॉडी में कोई पहली बार आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आपने जाहिर किया जो कि लो इंटेंसिटी का था और टाइम टेकिंग था, लेकिन जब सेकेंड बार वो चीज आई तो आपने ऑलरेडी उसके लिए हथियार बना रखा था। तो सेकेंडरी और अनामनेस्टिक जो रिस्पॉन्स है इसमें मेमोरी हमारे काम आई, तो इसमें हमने जल्दी से ही
इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को या इस प्रोटोजोवन को मार दिया, राइट? तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से होते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या है? बी लिम्फोसाइट आपका बनाती है एंटीबॉडी, ये जो आपकी कुल्हाड़ी थी ना, इसका नाम है एंटीबॉडी। हर आपका जो पैथोजन है वो स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडी से मरता है, तो एंटीबॉडी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है। और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? अब बी लिम्फोसाइट तो फॉर्म करती है एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट में यू नो एक सेल होता है कॉल्ड प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडीज बनाता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है टू मेक एंटीबॉडी, यानी दोनों का काम क्या है? एंटीबॉडी तैयार करना, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोजन आया है उसकी धज्जियां उड़ा सके हम। तो यहां पर देखो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। यहां देखो एक आपका ये है हैवी चेन, बड़ी है ना, बड़ी चेन है तो इसे क्या बोला? हैवी चेन। अब दो चेन है हैवी तो इसे क्या बोला? एच टू बोल दिया। और दो चेन है भैया जी लाइट, ये है और ये है, इसे क्या बोल दिया? एल टू बोल दिया। हैवी चेन लाइट चेन, तो टोटल एंटीबॉडी को क्या बोलोगे भैया? एच टू एल टू बोलोगे, बोलना ही पड़ेगा। एच टू एल टू इज योर एंटीबॉडी। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एंटीबॉडी है ये एकदम स्पेसिफिक है, तो हर पैथोजन के लिए, हर पैथोजन के अलग अलग प्रोटीन्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडी तैयार होगी। इसका ये जो रीजन है ना, ये रीजन और ये रीजन, यहां पे कुछ खांचे बने हुए हैं, कुछ नॉच बने हुए हैं। देखो यहां पे ये नॉच बने हुए ना, ये नॉच बने हुए हैं, इन्हें क्या बोल दिया हमने? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल साइट। यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट, जैसे ही एंटीजन चेंज होगा इस साइट को भी चेंज होना पड़ेगा। देखो यार गुजिया बनाने का सांचा देखा है तुमने? गुजिया कैसी होती है? ऐसी होती है, जो होली पे गुजिया खाते हो वो ऐसी शेप की होती है, राइट? क्या गुजिया बनाने के सांचे में समोसा बना सकते हो? भाई समोसा बनने रख दिया उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और उसे चिपका दिया, भाई ऐसी शेप का समोसा कौन खाएगा? तो जैसी शेप गुजिया की है गुजिया के सांचे में वही बन सकती है। समोसे के लिए अलग से लाना पड़ेगा भैया, ऐसा आता है एक परफेक्ट समोसा शेपर, वो बनाना पड़ेगा। यानी गुजिया की शेप अलग है, समोसे की शेप अलग है, तो जाहिर सी बात है यार इसके लिए हमें अलग सांचा चाहिए, इसके लिए हमें अलग सांचा चाहिए। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर आपका एंटीजन ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी है उसमें ऐसे खांचे बने होंगे। अब कोई एंटीजन ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, तो उसके लिए जो खांचे हैं वो आपके ऐसे दिखाई देंगे। कोई आपका ऐसा दिखाई देता है तो उसके लिए जो खांचे हैं वो मेरे बंधु ऐसे दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, समझ पा रहे होगे? तो यहां पर ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये एक्चुअल में वेरिएबल साइट है जो कि अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है। तो हर एंटीबॉडी के अंदर ये वाली ये जो साइट है ना सबसे एंड में, ये जो ऑरेंज और ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये वेरिएबल होती है। ये जो है आपकी अलग अलग होती है जिससे एक प्रॉपर आपका यहां पर एंटीजन बाइंड कर सके, ठीक है? तो ये जो सी लिखा हुआ है नीचे, ये क्या है? कॉन्स्टेंट रीजन। सी का मतलब है कॉन्स्टेंट रीजन। तो ये वाले रीजन जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो कॉन्स्टेंट होता है, सब में सेम है हर एंटीबॉडी में। डिफरेंट क्या है? सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला ये डिफरेंट है ना, तो ये आपका क्या है? वेरिएबल रीजन है, ये आपका वेरिएबल रीजन है। तो इसे कई बार वी भी लिखा हुआ दिखाया जाएगा अलग अलग बुक्स के अंदर। और जो एंटीबॉडीज हैं ये जुड़ी होती हैं साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है? तो यहां पर ये दो चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये देखो दो चेन आपस में जुड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये सेम के अंदर भी भैया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, इसे कहा जाता है सेम चेन में इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट? दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक बार देख लेते हैं। अब बी लिम्फोसाइट जो है इसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, मेमोरी बी सेल, प्लाज्मा सेल, इफेक्टर बी सेल। ये जो प्लाज्मा सेल है क्या बनाते हैं? एक आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं कॉल्ड एंटीबॉडी, जो कि हमला करती हैं पैथोजन के ऊपर। टी सेल जो है ये खुद सिक्रीट नहीं करते एंटीबॉडी, ये खुद नहीं बनाते एंटीबॉडी, लेकिन बी सेल की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। चार चेन होती हैं आपकी एंटीबॉडी के अंदर,
दो आपकी बड़ी बड़ी जिनको बोलेंगे H2 यानी हैवी चेन्स, और दो छोटी छोटी जिनको बोलेंगे L2 यानी लाइट चेन। तो H2 L2 बोल करके आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है ये आपके ब्लड में घूमती रहती हैं। तो ब्लड में घूमने वाले इन एजेंट्स की वजह से बी सेल जो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुना। ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल हो, यानी ब्लड में आपकी एंटीबॉडीज घूम रही हो, वो जनरेट करता है बी सेल। तो बी सेल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलग अलग प्रकार की आपकी एंटीबॉडीज हो सकती हैं। सबसे पहले IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसे एंटीबॉडी ए भी कहा जाता है। फिर है आपकी IgD यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डी। फिर है आपकी IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। फिर है आपकी IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। फिर है आपकी IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये पांच प्रकार की एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर मिलती है। ऑलराइट, तो सिंस ये ब्लड में रिलीज होती हैं, सारी की सारी जो एंटीबॉडी हैं ये ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं और ये बी सेल द्वारा बनती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है कि ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर रही हैं। दूसरे प्रकार का एक और रिस्पॉन्स रहता है जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये कौन देता है? टी लिम्फोसाइट देता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर काम करते हैं। यानी ये जो टी सेल्स है ना, जिन्हें टी लिम्फोसाइट भी कहा गया सॉरी, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी समझ लो किडनी खराब हो गई, तो आपको क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ह्यूमन की किडनी लगा दी जाएगी बिना चेकिंग किए? नहीं। अगर आप किसी भी रैंडम इंडिविजुअल की किडनी अपनी बॉडी में डालने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी। इसे कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्यों होता है रिजेक्शन? क्योंकि आपकी बॉडी और उस ऑर्गेनिज्म की या उस इंडिविजुअल की बॉडी साथ में कंपैटिबल नहीं है। और वो क्यों कंपैटिबल नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर ये क्षमता है कि वो अपने सेल और पराए सेल में डिफरेंस कर पाए। तो जो अपने सेल हैं वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई पराया सेल एंटर करता है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी झेल के खुश नहीं है उस सेल को और उसे बाहर भगा देगी, क्योंकि वो जो सेल है वो फॉरेन सेल की तरह बिहेव करेगा। और कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमें चुल मचती है उसे मारने की। सिमिलरली कोई ऑर्गन भी आएगा जो किसी और का है, जो कि हम अपना नहीं मान रहे क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसे भी मारने के लिए हमारा पूरा इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाएगा और उस किडनी की धज्जियां उड़ा देगा। सो इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन में जो पराए सेल को रिकॉग्नाइज करने की टेंडेंसी है, ये सेल का जो काम है ये कौन कर रहा है? टी लिम्फोसाइट। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? टी लिम्फोसाइट। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है? बी लिम्फोसाइट। अगर समझ लो कोई चारा है ही नहीं, समझ लो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी किडनी खराब हो गई है और मुझे किसी और की किडनी लेनी ही पड़ेगी जब तक मुझे कोई सूटेबल डोनर ना मिल जाए, तो मैं उस किडनी को लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा यार मेरा इम्यून सिस्टम उस किडनी पर अटैक ना करे, तो मैं इम्यूनोसप्रेसेंट नाम की दवाइयां ले सकता हूं। इम्यूनोसप्रेसेंट मुझे लेने पड़ेंगे, और अगर मुझे समझ लो कोई कंपैटिबल किडनी नहीं मिली तो मुझे पूरी लाइफ भी ये दवाइयां लेनी पड़ सकती है। इससे घाटा क्या है? आपने अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया कि वो आपकी किडनी पर हमला ना करे, लेकिन मेरे भाई अगर कल को कोई वायरस आ गया तो भी तो इम्यून सिस्टम सप्रेस ही है ना, वो तो उस पर भी हमला नहीं करेगा। यानी छोटे छोटे फुद्दू कीटाणु जो है आपकी बॉडी में घुसेंगे भी, आपको मारेंगे भी, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। बिकॉज अगर आपने इम्यून सिस्टम को काम करने दिया तो वायरस तो मर जाएगा लेकिन किडनी भी मर जाएगी, तो दोबारा से ऑपरेशन होगा। तो ऐसे लोगों को बहुत सेंसिटिव जगह पर रखा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा चीजों से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब एक चीज आती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये जो टॉपिक है ये एक लाइन में क्लियर हो जाता है, एक लाइन के अंदर, सिर्फ दो लाइन भी नहीं पढ़नी। एक्टिव का मतलब इसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आपकी मेहनत लगी है, और पैसिव मतलब बैठे बिठाए काम हो गया है। अगर आप खुद कुछ काम कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, वही यहां होता है। और पैसिवली आपको बने बनाए कोई चीज मिल गई तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी। अब इन दोनों के एग्जाम्पल देता हूं जो आपको आराम से एक झटके में ही समझ में आ जाएंगे। आपकी बॉडी में मैंने COVID-19 का वायरस डाल दिया या वैक्सीन डाल दी, लेट से, तो बुखार चढ़ता है आपको वैक्सीन से, आपको पता है अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, डेड वायरस ही तो होता है। अब वायरस आ गया आपकी बॉडी में, चाहे मरा हुआ ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी उस पर अटैक तो करेगी, तो काफी बार आपकी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है जिससे आपको बुखार वगैरह आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है, मेहनत करी है,
लेकिन पैसिव में मैंने क्या किया, समझ लो किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी इंडिविजुअल की बनी बनाई एंटीबॉडी आपके बॉडी में डाल दी, तो कोई मेहनत ही नहीं है भाई, एंटीबॉडी आ गई, अगर शरीर में कोविड वायरस होगा झटपट उसको मार देगी, काम खत्म। एक्टिव और पैसिव में ये फर्क है। तो एक्टिव में क्या होता है, आप जो है काम करते हो, तो एंटीबॉडी जो है ये आपकी बॉडी में यानी होस्ट की बॉडी के अंदर बनती है। अब चाहे वो डायरेक्ट अटैक से बने, यानी समझ लो मुझे कोरोना वायरस हो गया, वैक्सीन नहीं ली मैंने, असली कोरोना हो गया, तो जिंदा वायरस आ गया, अब मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, अटैक कर रही है उसके ऊपर, और मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो भी एक्टिव इम्यूनिटी है। और समझ लो मुझे असली कोरोना वायरस नहीं हुआ, भगवान की दया से, और मुझे वैक्सीन मिल गई, तो भी तो भैया एंटीबॉडी मेरी बॉडी बना रही है, दोनों ही एक्टिव इम्यूनिटी के केस है। ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देती है, यानी टाइम लगता है इसमें, क्यों, क्योंकि मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, पहले मैं उस वायरस के स्ट्रक्चर को समझूंगा और उसके लिए एक पूरा हथियार बनाऊंगा। लेकिन मानो कि अगर आपको रेडीमेड एंटीबॉडी ही मिल जाए, तो इसे पैसिव इम्यूनिटी बोलोगे, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। जैसे मदर्स मिल्क से आपको क्या मिलती है, IgA मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो क्या आपको इम्यूनोग्लोबुलिन ए खुद से बनाने की जरूरत है इनिशियली जब आप बहुत छोटे हो? नहीं। तो मैया का जब आप दूध पियोगे, कोलेस्ट्रॉल पियोगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल गई, एंटीबॉडी मिल गई। और सिमिलरली प्लेसेंटा के थ्रू भी मदर से काफी सारी एंटीबॉडीज ट्रेवल करती है बेबी के अंदर, स्पेशली IgG। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम है IgG। तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि यहां पर बच्चे को खुद नहीं बनानी पड़ रही आपकी एंटीबॉडीज। तो एक्टिव मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है, पैसिव मतलब फ्री में मिल जा रही है, एक शब्द याद करना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कोविड आने के बाद, भाई ये पूरा खेल है मेमोरी का जो मैंने आपको बताया था। वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई एंटीजन है, जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का एंटीजन है, मरा हुआ वायरस है, उसका कोई प्रोटीन है, ये जो है आपका इनएक्टिव फॉर्म में या मरे हुए फॉर्म में, जिसे ही वैक्सीन कहा जाता है, आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपकी बॉडी के अंदर जब ये एंटीजन आया, तो आपकी बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, तो बी और टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और एंटीबॉडी बन जाएगी, और मेमोरी में भी ये फीड हो जाएगा कि कोरोना वायरस आया था, इसके खिलाफ मैंने कुल्हाड़ी बना करके अलमारी में रखी है। तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, जब दोबारा से ये वायरस कभी आएगा, तो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हो जाएगी, और पहले से भी हो रखी है, तो एक क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। लेकिन उससे भी क्विकर रिस्पॉन्स चाहिए। समझ लो आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें अगर आपने अभी के अभी नहीं लिया ना भाई उपचार, तो आपकी डेथ हो जाएगी। जैसे आपको सांप ने काट लिया, तो क्या बोलोगे कि भैया मैं तो नेचुरल बंदा हूं, मैं तो एक्टिव इम्यूनिटी ही लूंगा, कि मेरी बनी हुई एंटीबॉडी ना जिंदगी भर रहेंगी, तो अगली बार जब 10 साल बाद मुझे सांप काटेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ना अपनी घर पर बनाऊंगा एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर। भाई स्नेक बाइट के बाद तुम्हें टाइम मिलेगा आधा घंटा, एंटीबॉडी बनने में लगता है 1 हफ्ता, यानी आधे घंटे में तो मुंह से झाग निकल जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे। अब तुम वहां पे नेचुरल रहना चाहते हो या आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनाइजेशन लेना चाहते हो, यानी एंटीटॉक्सिन लेना चाहते हो, ये तुम्हारा अपना जो है टेक है। जैसे आपको टिटनेस हो गया भैया, कोई जंग लगी हुई कील पैर में घुस गई, तो उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि 1 हफ्ते बाद जो है आप इसका उपचार करवाएंगे, तब की तब फटाफट जाओ एंटीटॉक्सिन लो भाई, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ, काम खत्म करो। तो अगर बहुत जल्दी रिएक्शन चाहिए, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, जैसे पैसिव इम्यूनिटी थी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन करवाओ, तब की तब प्री फॉर्म्ड एंटीटॉक्सिन ले लो, और वैक्सीनेशन में खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास सब्सिक्वेंट टाइम होता है। अगर उसमें भी जान पे बात बनाती है, तो वहां भी आपको अच्छे खासे तरीके से जो है ये सारे सामान दे दिए जाते हैं, एंटीबॉडीज बनी बनाई दे दी जाती है। जैसे हम अभी प्लाज्मा डोनर ढूंढ रहे थे इन द टाइम ऑफ कोविड, सो दैट इज ऑल्सो having the antibodies in preformed level, तो आप उनसे भी काम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। recombinant DNA technology, यानी आपका जो biotechnology है, इसका भी बहुत important हाथ है अलग अलग vaccines बनाने में। यानी आप सीधा वायरस को एंटर मत कराओ मेरी बॉडी के अंदर, आप क्या करो, जिंदा वायरस मत दो, वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन तोड़ लो। जैसे वायरस है, अब इसका ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन का टुकड़ा है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन का टुकड़ा मैं कहाँ डाल दूंगा, बैक्टीरियल वेक्टर में डाल दूंगा या ईस्ट वेक्टर में डाल दूंगा।
जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो ऐसे हजारों प्रोटीन बन जाएंगे जो मैंने वायरस से निकाले, ऐसे हजारों प्रोटीन निकल जाएंगे, और इन प्रोटीन्स को जब मैं अपनी बॉडी के अंदर डालूंगा तो इट विल एक्ट एज अ फॉरेन प्रोटीन इन होस्ट बॉडी, इट विल एक्ट एज अ फॉरेन प्रोटीन। तो इस प्रोटीन के खिलाफ मैं क्या बना लूंगा, एक एंटीबॉडी बना लूंगा, इस प्रोटीन के खिलाफ मैं एक एंटीबॉडी बना लूंगा, और जब असली वायरस आएगा तो ये एंटीबॉडी जो है उसके ऊपर अटैक कर देगी, उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, रेदर देन इंसर्टिंग द कंप्लीट वायरस, रेदर देन कंप्लीटिंग द कंप्लीट बैक्टीरिया, हम क्या करते हैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं उसके किसी प्रोटीन का, किसी एंटीजन का, जिससे कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना पाए। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है यह भी आपकी ईस्ट से इसी तरीके से तैयार करी गई थी। ऑलराइट, अब बात करते हैं एलर्जीज की। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक तरीके का हाइपर रिस्पॉन्स है, हाइपर रिस्पॉन्स और रॉबस्ट रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आप एक नई जगह पर गए जहां पे पॉलन उड़ रहे थे या एनिमल डेंडर उड़ रहा था, अब उस एनिमल डेंडर से या पॉलन से आपको बहुत ज्यादा एलर्जी है, कोई डस्ट पार्टिकल है उससे आपको बहुत ज्यादा एलर्जी है, आपने उस पार्टिकल को सेंस कर लिया, आपने उस पार्टिकल को इनहेल कर लिया और आपकी भाई छूट गई छींके, आंखों से पानी बहना स्टार्ट हुआ, बुखार चढ़ गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, विजिंग होने लगी, बैठ जाओगे वहीं की वहीं, जी खराब हो जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है एलर्जिक रिएक्शंस कहलाती हैं। यानी जब आप किसी नई जगह पर गए तो आपको स्नीजिंग स्टार्ट हुई, विजिंग स्टार्ट हुई, यानी आप जो थे किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव थे, चाहे वो कोई पॉलन डस्ट हो, चाहे वो माइट हो, चाहे वो आपका कोई डस्ट पार्टिकल हो, एनीथिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं ना जो आपको एलर्जी कॉज करवाती है, इन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। ओके, एलर्जेंस कहा जाता है। जैसे डस्ट के अंदर माइट्स प्रेजेंट है, पॉलन एलर्जी है, एनिमल डेंडर है, इन सब से आपको एलर्जी हो सकती है, तो इन सारी चीजों को एलर्जन कहा जाता है। इससे आपको छींके आना स्टार्ट हो सकती है, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो सकता है, नाक बहनी स्टार्ट हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब ये एलर्जी आपके अंदर होगी, एलर्जिक रिएक्शंस चलेंगे, तो IgE टाइप की एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर बनेगी जो कि स्पेसिफिक है फॉर एलर्जीज। तो एलर्जी क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स इज कॉल्ड एलर्जी। यानी आप किसी नए एनवायरमेंट में गए, आपको कोई एंटीजन या एलर्जन मिल गया, उसके प्रति आपका इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया और उसने ओवर रिएक्ट कर दिया कि भैया सारी चीजें एक साथ चल पड़ी, नाक भी बह पड़ा, आंखें भी बह पड़ी, ओके, सर भी दुख रहा है, बुखार भी हो गया, सारी चीजें एक साथ हो गई, सांस भी फूल गई। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स या एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एलर्जन। तो इस दौरान IgE टाइप की एंटीबॉडी तो आपकी बनती ही है, यहां पर जो है हिस्टामिन और सेरोटोनिन भी रिलीज होते हैं फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल रिलीज करता है जो कि एलर्जी में आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? एलर्जी में हेल्प किस हिसाब से कर सकते हैं? इन रिएक्शंस को लाने में। तो आपको लगेगा कि सर ये रिएक्शंस तो खराब है, आंखों से पानी बहना कोई अच्छी बात तो है नहीं, नाक से पानी बहना कोई अच्छी बात तो है नहीं, बुखार चढ़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं। हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। बुखार जब आता है आपकी बॉडी में तो समझ जाओ भाई कोई ना कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, और उसको इरेडिकेट करने के लिए आपकी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर लिया, राइट? तो जब आपकी बॉडी में एलर्जी होंगी तो IgE और मास्ट सेल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। मास्ट सेल आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज कर देगा। अब डॉक्टर को कैसे पता लगता है कि आपको एलर्जी है किस चीज की? देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एलर्जेंस, 10-15 कैटेगरीज एलर्जेंस की ली जाएंगी जो उस इलाके में ज्यादा प्रोमिनेंट है। समझ लो मैं अगर हिमाचल जाता हूं और हिमाचल में 10-15 एलर्जेंस सबसे कॉमन है, तो डॉक्टर जो है मुझे स्मॉल डोजेस देंगे हर एलर्जन की जिससे मुझे एलर्जी ना हो, और मेरी बॉडी का छोटा सा रिस्पॉन्स नोट करेंगे, ट्रैक करेंगे, और उन्हें पता लग जाएगा कि यार स्मॉल डोज जब मैंने दिया एलर्जन ए का या एलर्जन एक्स का तो बॉडी में रिएक्शन चालू हो गई थी, इसका मतलब इन्हें एलर्जन ए या एलर्जन एक्स से एलर्जी है, ये सेंसिटिव है, तो इन्हें इस एलर्जन से बच के रहना है, राइट? अब समझ लो आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं चाहिए कि आपकी आंखें बहें, नाक बहे, तो आप एंटी हिस्टामाइन ले लो, एड्रेनलिन ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो जो कि एलर्जी के सिम्टम को तब की तभी कम कर देते हैं।
हालांकि जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है इसमें हम और ज्यादा छुई मुई से होते जा रहे हैं, यानी अगर पुराने लोग थे ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, पुरानी पीढ़ी के लोग, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, ये ना डॉक्टर के पास जाते थे, ना बहुत ज्यादा अपना इलाज कराते थे, लेकिन फिर भी इनको बहुत कम बीमारियां होती थी, क्योंकि सारे दिन काफी सारे पैथोजन से, काफी सारे एलर्जन से लड़ते रहते थे, तो इनकी बॉडी को उन सारे पैथोजन की आदत हो जाती थी, क्योंकि पहले लाइफस्टाइल इतनी बेहतर नहीं थी कि हम लोग हाइजीन की या बाकी सारी चीजों की बात करें। हाँ, ये अपने आप को साफ जरूर रखते थे, लेकिन उस टाइम पर सैनिटेशन के प्रॉपर मेजर्स नहीं थे, लोग बाहर शौच करते थे, काफी सारी चीजें ऐसी थी, लेकिन सिंस वो खेतों में काम करते थे दिन रात और सारे दिन मिट्टी के कॉन्टेक्ट में रहते थे, राइट, जो किसान थे वो खुद गोबर की खाद बनाते थे, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कॉन्टेक्ट में वो डायरेक्ट ही आ जाते थे, सारा काम पर्सनल लेवल पे होता था, खुद ही करते थे, मैकेनाइज वर्क बिल्कुल नहीं था, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो है इम्यूनिटी वाइज काफी ज्यादा बेटर थी आज के बच्चों के कंपैरिजन में, जिसमें मैं भी आता हूं और काफी हद तक हमारे कुछ यंग पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं। तो आज के दिन में हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं टू एलर्जन्स, बाहर जाते हैं तो झटपट जो है हमें एलर्जी और अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन पहले वाले लोग आराम से इन चीजों को झेल जाते थे। नाउ द थिंग इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी नाम में सब कुछ है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और इम्यूनिटी मतलब लड़ने की क्षमता, यानी जब आपका इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स से ही लड़ना स्टार्ट कर दे, इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी दोस्त, मैंने आपको बताया था कि मेरे इम्यून सिस्टम के पास ये ताकत है, ये क्षमता है कि वो अपने और पराए सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सके, यहां पर इसकी क्षमता खत्म हो गई अलग अलग रीजंस की वजह से। कोई बोलता है कि ये जेनेटिक रीजंस है, कोई बोलता है कि रीजंस जस्टिफाइड नहीं है अभी तक, साइंटिस्ट आर वर्किंग अपॉन इट, लेकिन कोई भी रीजन हो, हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक ताकत थी सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंशिएट करने की। कई बार ये ताकत खत्म हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही कुछ चुनिंदा सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है, इन्हें कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्योंकि इससे बीमारी हो जाएगी, आपके खुद के सेल्स खत्म होने लग जाएंगे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको इसका नाम सिर्फ याद करना है। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम दिखाई कैसा देता है और हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है और कहां कहां मौजूद है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में हर प्रकार की चीज आती है, ऑर्गन्स भी आते हैं, ऑर्गन्स के नीचे टिश्यूज भी आते हैं, टिश्यूज के नीचे सेल्स भी आते हैं और सेल्स के नीचे मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। जैसे अगर आप ऑर्गन्स की बात करेंगे तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, अगर आप प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करेंगे तो बोन मैरो है, थाइमस है, तो ऑर्गन्स हो गए यहां पे, राइट, जैसे बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, तो क्या है आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। फिर टिश्यू, आपके इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी टिश्यू हैं, इम्यूनिटी टिश्यूज। सेल्स, जैसे आपका मास्ट सेल हो गया, आपका भैया बी सेल हो गया, प्लाज्मा सेल हो गया, मेमोरी सेल हो गया, टी सेल हो गया। सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके एंटीबॉडीज हो गई, जो कि लिखा ही हुआ है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गए, जिन्हें सीपी बोला जाता है। देर आर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बॉडी कंटेन्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जो एक पाथवे चला देते हैं किसी भी टाइम पे, कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है। ये सब मिलकर आपका इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं, यानी सिस्टम में हर लेवल का एक एक प्लेयर है। सेलुलर लेवल पे भी कोई खेल रहा है, मॉलिक्यूल लेवल पे भी कोई खेल रहा है, टिश्यू लेवल पे भी कोई खेल रहा है, ऑर्गन लेवल पे भी कोई खेल रहा है, और मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इन सब का काम जो है क्या है, रिकॉग्नाइज करना, 3R प्रिंसिपल है, RRR पिक्चर भी आई है। पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, इसको तो मारना पड़ेगा, फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं यानी मार देते हैं, और रिमेंबर करते हैं यानी अगली बार याद भी रखते हैं कि अगली बार ये आएगा ना तो इसकी हड्डी और जल्दी तोड़नी है बेहतर तरीके से। तो 3R प्रिंसिपल होता है यहां पे, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स एंड रिमेंबरेंस यानी मेमोरी। अब देखो लिम्फॉइड ऑर्गन लेवल पे क्या चलता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां ओरिजिनेशन होती है आपके लिम्फोसाइट्स की, यानी बीओटी लिम्फोसाइट यहां पे बनते हैं और मैच्योर होते हैं। मैच्योरेशन का मतलब जहां पे ये काम करना सीखते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, वो इन्हें पता लगता है। एंड प्रोलिफेरेशन, यहां पे इनका नंबर भी बढ़ता है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है
ये है आपके बोन मैरो, बी फॉर बोन मैरो, दैट इज यहाँ पर बी सेल्स तैयार होते हैं यूजुअली, एंड थाइमस, यहाँ पर यूजुअली टी सेल्स तैयार होते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्योंकि बोन मैरो में लगभग आपके सारे ही ब्लड सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पे टी सेल्स भी बन सकते हैं, बट सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बी सेल और टी सेल होते हैं, यहाँ पे बोन मैरो और थाइमस आप याद कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो इमैच्योर लिम्फोसाइट है ये डिफरेंशिएट होते हैं, यानी ये काम करना सीखते हैं और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी जो बी और सी, बी और टी सेल थे, सॉरी जो नॉर्मल सेल्स थे वो अब एंटीजन सेंसिटिव हो चुके हैं, यानी ये अब फॉरेन मॉलिक्यूल को पकड़ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये लड़ने निकल पड़ेंगे कि अब तो भैया हमें एंटीजन को मारना है। सो ये माइग्रेट कर जाएंगे टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? जंग का मैदान है, जैसे आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर पैचेस है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, आपका अपेंडिक्स है, ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर आपका लिम्फोसाइट जो है, जो मैच्योर होकर आया है, बी और टी सेल्स जो है ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लड़ाई होती है, और ये और ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, और ज्यादा डिवाइड करते हैं और इफेक्टर सेल्स बना लेते हैं, यानी यहां पर ये सच में खात्मा कर रहे हैं किसका? एंटीजन का, यानी पैथोजन का। यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो मैच्योर हुए और उन्हें पता लग गया कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो एंटीजन को कैसे पहचाने, वो ताकत उनमें आ गई। लेकिन जब वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में गए, जैसे स्प्लीन में गए, पेयर पैचेस में गए, टॉन्सिल्स में गए, अपेंडिक्स में गए, तो वहां पर एक्चुअली उन्हें जो लिम्फोसाइट का असली पावर जो है रियलाइज करने का मौका मिला, और वहां पर उन्हें एंटीजन को मारने का मौका मिला, तो वो इफेक्टर बन गए। ऑलराइट, यहां पर देखो आपके लिम्फ नोड यहां पर पाए जाते हैं, आपके हाथ वाले रीजन में, व्हेन वी टॉक अबाउट द अपर पार्ट, आपके नेक वाले रीजन में, यहां आपके सर और आपके इस हाथ वाले पार्ट के बीच में, गर्दन के इस रीजन में और हाथ के यहां, एंड नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो आपके जेनाइटल रीजन और थाई रीजन में आपको क्या देखने को मिलते हैं? लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। इन लिम्फ नोड्स को कनेक्ट करने वाली जो वेसल्स हैं यहां पर आप देख रहे हैं, इन्हें लिम्फेटिक वेसल बोला जाता है, ये पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। यह आपका छाती वाला जो रीजन है, जहां पर आपके दोनों के दोनों जो रिब्स है ये यहां पर सेपरेट हो रहे हैं, यहां पर इस रीजन के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कॉल्ड थाइमस, और बोन मैरो आपका बहुत बड़ा यहां पर देखने को मिल जाता है। राइट, बोन मैरो जो है आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ये आपके मेन मेन ऑर्गन्स हैं। तो बोन मैरो क्या है? आपका मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां पर सारे के सारे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो जो है इसमें क्या रहते हैं? इसमें आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट स्टेम सेल, जिनको कहा जाता है HSC। HSC का मतलब है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, यानी ऐसे स्टेम सेल जो हेमेटोपोइसिस शो कर सकते हैं, यानी जो ब्लड के सारे सेल्स बना सकते हैं। तो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या बनाएंगे? आपके WBC भी बनाएंगे, फिर इनके जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट सब, ये आपके RBC भी बनाएंगे, और ये आपके कॉर्पसल्स यानी प्लेटलेट्स भी बनाएंगे। सारी चीजें बनेंगी आपके इस HSC से, और ये HSC कहाँ प्रेजेंट है? बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि बोन मैरो के पास वो मदर सेल है जो सारे के सारे ब्लड सेल्स को बनाएगा। और थाइमस जो है ये आपका लोब्ड ऑर्गन है, जो आपका बीनीथ द ब्रेस्ट बोन पाया जाता है, ये जो ब्रेस्ट बोन है इसके नीचे पाया जाएगा हार्ट के पास। जब आप पैदा होते हो तो आपका थाइमस काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और जब आप बड़े होते जाते हो प्यूबर्टी तक ये छोटा होता जाता है, और वृद्ध लोगों में, बुजुर्ग लोगों में और छोटा होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, क्योंकि थाइमस टी सेल्स बनाता है। सो इट इज अ वेरी मेजर प्लेयर, यहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होते हैं, तो इट इज अ मेजर प्लेयर इन इम्यूनिटी, और ये छोटा होता जा रहा है तो मतलब इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है। तो बहुत छोटे साइज का ये बचता है एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 60, और प्यूबर्टी तक भी ये काफी छोटा हो चुका होता है साइज में। तो चाहे बोथ बोन मैरो हो और थाइमस हो, ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट यहां पर मैच्योर होते हैं और लड़ने कहां जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो स्प्लीन जो है एक बीन शेप ऑर्गन है जो पेट के पास यानी स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या है? लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, ये फैगोसाइट्स आ जाएंगे,
लिम्फोसाइट क्या कर, ये सॉरी स्प्लीन क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, यानी जो ब्लड बॉडी में बह रहा है वो हर ऑर्गन से होते हुए गुजरेगा, वो जब स्प्लीन से गुजरेगा ना तो फिल्टर हो जाएगा, उसके अंदर जो पैथोजन है ये अलग कर लेगा आपका कौन, स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या कर लेगा, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनको फिल्टर कर लेगा, यानी ब्लड के अंदर जो माइक्रोब है इसने अलग कर लिए। और इसके पास एक रिजर्वायर है आपका एरिथ्रोसाइट का, क्या कहा जाता है स्प्लीन को, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी जो भी आपकी आरबीसी खत्म होती है 120 दिन के लाइफ स्पैन के बाद वो आपकी स्प्लीन में पहुंचा दी जाती है। तो ये क्या करता है स्प्लीन, इसमें से जब ब्लड निकल रहा है तो ब्लड बॉर्न जो पैथोजन थे जो ब्लड के अंदर घूम रहे थे वो सारे इसने फिल्टर कर लिए। अब स्प्लीन में माइक्रोब भी आ गए और स्प्लीन में आपके फैगोसाइटिक सेल्स भी आ गए और लिम्फोसाइट भी आ गए। अब ये कहता है लड़ो, और यहां पर जो है लिम्फोसाइट धजिया उड़ा देते हैं आपके किसकी, पैथोजन की। सिमिलर काम करता है आपका लिम्फ नोड, जैसे स्प्लीन आपका फिल्टर कर रहा है ब्लड को, अब नाम है इसका लिम्फ नोड, तो ये किसको फिल्टर करेगा, लिम्फ को। तो ये सॉलिड छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करेंगे, फिल्टर करेंगे, जो कि लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। और यहां पे जो लिम्फोसाइट होंगे इन लिम्फ नोड्स के आसपास वो उन्हें मार देंगे। यानी दो चीजें हैं, देखो यार दो इंपॉर्टेंट आपके फ्लूइड्स है बॉडी के अंदर, ब्लड और लिम्फ। ब्लड जब आपकी बॉडी से गुजरेगा, जब फ्लो करेगा, तो स्प्लीन में उसकी फिल्ट्रेशन होगी और स्प्लीन जो है माइक्रोब्स को अलग कर देगा, जिनकी धज्जियां लिम्फोसाइट उड़ा देंगे। और लिम्फ जो है आपका, वो जब लिम्फ नोड से गुजरेगा तो उसकी फिल्ट्रेशन लिम्फ नोड कर देंगे, माइक्रोब्स को अलग कर देंगे, उसकी धज्जियां लिम्फोसाइट दोबारा उड़ा देंगे, यानी आपके बैक्टीरिया और आपके जो पैथोजेंस है वो किल हो जाएंगे। आपकी बॉडी के जो काफी सारे ट्रैक्ट्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ओके, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, इनके ऊपर जो है कोट लगा रहता है म्यूकस का। सो ये क्या बनाते हैं आपका, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी ये जो म्यूकस लेयर है इससे एसोसिएटेड है लिम्फोइड टिश्यू, जो कि 50% ऑफ योर लिम्फोइड टिश्यू है पूरी बॉडी का। तो माल्ट इज द 50% और यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ द होल लिम्फोइड टिश्यू इन योर बॉडी। इसके अलावा और भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, गाल्ट होता है, गाल्ट मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नाल्ट होता है नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसी प्रकार से बाल्ट होता है ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। काफी सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इनमें से जो मेजर है वो कौन है आपका, माल्ट, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये आपको यहां पर समझना था। सो दिस वॉज अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, राइट। इम्यूनिटी जो है काफी सिंपल है समझने में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, जो लास्ट सेक्शन है आपका इस चैप्टर का, कि ड्रग्स और अल्कोहल को बच्चे अब्यूज कैसे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कहानी सुना देता हूं जिसमें पूरा का पूरा आपको इस टॉपिक का सार पता लग जाएगा एंड अधिकतर चीजें कवर हो जाएंगी, तो हमें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तो हम उनको सिर्फ टिक मार करते हुए चलेंगे आगे, जहां पर भी हमें वो बातें पता लगेगी तो 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। पहली बात तो हमारी सोसाइटी में जो भी चलता है, पहली बात तो हमारी जिंदगियों में जो भी चलता है और उम्र के जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं वहां पर काफी सारी गलतियां होने की चांसेस हमारी जिंदगी में होती हैं। यानी हमारी उम्र जो है अभी बहुत सेंसिटिव है, मैं अपनी भी बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहां पर एक इंसान के पास पहली बार पैसा आता है, यानी जब एक इंसान 24 का हो जाता है, 25 का हो जाता है, वो पहली बार अर्निंग करने लगता है एंड ही एस्पायर्स टू डू समथिंग ग्रेट एंड व्हाट अ लॉट ऑफ मूवीज, व्हाट अ लॉट ऑफ एड्स आर सेइंग और व्हाट अ लॉट ऑफ एड्स आर पिचिंग टू अस इज अल्कोहलिज्म और बीइंग अल्कोहलिक इज कूल, बीइंग अल्कोहलिक इज द रियल अडल्ट। एक एड आता था संजय दत्त का जहां पर वो बताते थे कि अगर आप एक मर्द हो तो ये सोडा पियो। यानी अब जो लोग हैं जो उनको डाई हार्ड यू नो फैन की तरह फॉलो करते हैं वो तो यही सोचेंगे कि यार मर्दानगी की पहचान शराब पीना है, या इस ब्रांड को अगर हम पियेंगे तब हम असली मर्द कहलाएंगे, तो अल्टीमेटली वो उस ब्रांड की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे या किसी भी शराब की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। जब आपके स्कूल कॉलेज में आपको लौंडे ये सिखाते हैं कि यार सिगरेट पीने से कुछ भी नहीं होता, तुम कूल लगोगे, वो लड़की पड़ जाएगी, वो तुम्हें देखेगी और मानेगी अरे यार तुम तो अपनी उम्र के
लड़कों से बात आगे चल रहे हो एंड इट इज अ कूल क्वेश्चन देन अल्टीमेटली यू वॉन्ट थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इन टू दिस ट्रैप. और बॉलीवुड मूवीज में जब हीरो को दिखाया जाता है कि वो शराब पीकर सड़क पे यू नो लड़ रहा है लोगों के साथ, बहुत कूल फैक्टर आ रहा है, तो आपको और ज्यादा मजा आता है उस चीज को देख के एंड यू एस्पायर टू बिकम एन एल्कोहलिक नॉट इंटेंशनली, लेकिन एक बार ट्राई करने का जो मन है वो होता है. एंड दिस एज इज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर आप अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हो कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे नई नई चीजें सीखनी है, मुझे क्रिएटिव बनना है और मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, देन दैट इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर क्रिएटिविटी ऑफ योर एक्सपीरियंस विच यू वॉन्ट टू टेक. एंड सेकेंड थिंग इज नेगेटिव कि यार मुझे सब एक्सपीरियंस कर लेना है इस एज में, चाहे वो अल्कोहलिक बनना हो, चाहे वो टोबैको खाना हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर लें. प्रॉब्लम क्या है एक्सपीरियंस करने में? लोग कहते हैं यार हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जब कोई टॉपिक आपके सामने चले तो आप लेफ्ट आउट फील ना करें. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी बॉडी के अंदर इन सेल्स के अंदर पहली बार सिगरेट थोड़ा सा देते हो इन्हें चखने के लिए, तो एक रिसेप्टर पनप जाता है यहाँ पर जो और सिगरेट मांगना स्टार्ट करता है. यानी पहले आपकी बॉडी में ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं था, सेचुरेशन एकदम जीरो थी, लेकिन आज के दिन में आपने चाहे एक कश भी मारा हो, आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर आ गया, आपने अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया, आपके पास और रिसेप्टर्स आ गए. अब ये दो रिसेप्टर हैं, ये बोलेंगे यार 10 ml से हमारा काम नहीं चलेगा, 20 ml ला के दो. लेकिन जब आप 20 ml पियोगे तो और रिसेप्टर बन जाएंगे, यानी वो कहेंगे 40 ml ला के दो. जब 40 ml आप पियोगे तो वो और बढ़ जाएंगे, कहेंगे 60 ml ला के दो. एंड इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ये जो रिसेप्टर्स हैं जो आवाज़ लगाते हैं, जिसको हम तलब कहते हैं ना, तो वो आपकी तलब नहीं होती, वो इन रिसेप्टर्स की तलब होती है. वो कहते हैं कि यार तुमने हमें अल्कोहलिक तो बना दिया, तुम्हारा तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हो, लेकिन तुम्हारा तुम्हारे रिसेप्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा तुम्हारे हार्मोन्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमें अब शराब की जरूरत है, हमें शराब लाकर दी जाए. और इस चक्कर में आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं. यानी एक बार आपने जो थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए किया था, उसके ट्रैप में आज आप फंस चुके हैं और आपको अब इस चीज को सस्टेनेबली कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बॉडी में क्या आ जाएंगे, विथड्रॉवल इफेक्ट्स आ जाएंगे. विथड्रॉवल इफेक्ट और विथड्रॉवल सिम्टम मतलब जब आप किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपका मन, आपका दिमाग आपको उसी आदत की तरफ ले जाने की कोशिश करता है. यानी अगर आपने किसी शराबी के ऊपर कोई मूवी देखी है, या आपने अगर संजू मूवी देखी है जहां पर संजय दत्त वॉज एन ड्रग एडिक्ट, वहां पर जब उन्हें विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें पसीने छूट जाते हैं, उनकी बॉडी कांपने लग जाती है और अल्टीमेटली उनका पूरा ध्यान ड्रग्स की तरफ ही होता है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब चीजें मजबूरी में कर रहे हो. ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड ब्रेन विल ऑलवेज फोकस अपॉन द थिंग्स विच आर डिस्ट्रैक्टिव. आपका अपनी पढ़ाई से ज्यादा फोकस हमेशा अपने फोन पे होता है, आपका किताब के अक्षरों से ज्यादा फोकस अपनी क्रश के मैसेज के ऊपर होता है. ऐसा क्यों? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ब्रेन जो है उसकी फंक्शनैलिटी ही कुछ ऐसी है. इसको आपको हाइपर फोकस्ड बनाना पड़ता है अपने परिश्रम से, अपने काम से, अदरवाइज ब्रेन सबका ऐसा ही होता है, चंचल ही होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में फोकस रह पाते हैं और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं. तो एक बार हमने इस शराब की आदत डाल ली और उसके बाद हमें पंगा पड़ गया, रिसेप्टर जो है भूखे हो गए, छोड़ने की कोशिश करोगे विड्रॉवल सिम्टम आ जाएंगे, 4 दिन छोड़ोगे, 5वें दिन फिर ट्रैप में फंस जाओगे. उसके लिए जाना पड़ेगा रिहैबिलिटेशन सेंटर, या फिर जाना पड़ेगा वेलनेस सेंटर, या फिर कोई और चीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे लोग आपको पीट पीट के समझाएं कि भैया ये नहीं करना. और उसके बाद भी रिलैप्स रेट मोर देन 85% है इंडिया के अंदर, यानी अगर 100 लोग शराब छोड़ने जाते हैं तो 85% लोग दोबारा शराब के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती, राइट? तो पर्सनल मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं. अब समझ लो आपने तंबाकू खाना स्टार्ट कर दिया. तंबाकू खाने से क्या होता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया तो वो हमेशा आपकी बॉडी में सिक्रीट करता रहेगा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन. यानी आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा, गुस्से में रहोगे, फैमिली से ठीक से बात नहीं करोगे, सबको अपनी औकात याद दिलाओगे, जबकि खुद 5 रुपए का गुटखा खा के खुद को शहंशाह समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. लेकिन लोग सारे छोटे लगने लग जाएंगे. क्यों? जस्ट बिकॉज एड्रेनलिन है शरीर में, है कुछ नहीं, ना जेब में पैसा है, ना अकल में नॉलेज है, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ जबान है जो चलती रहती है सारे दिन. तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शंस कट होने लग जाते हैं, लोग आपसे बात करना प्रेफर नहीं करते. और इसलिए चंचल उम्र में, क्योंकि मैं आपको सही सलाह इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है, मैंने आज तक शराब नहीं पिया, इनफैक्ट स्मेल भी नहीं की, और अगर शराब स्मेल करी भी है पढ़ाई के लिए तो वो लैब में करी, एब्सोल्यूट अल्कोहल. तो गलत चीजों को भी मैंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है. सो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस, अदरवाइज इतना ज्ञान मैं किसी और चीज पे देता हूं नहीं, राइट?
तो ये बात है यार। इसके लिए हम क्या करें, अगर चंचल उम्र में आपको पता लग जाए कि यार आप फंस चुके हो, तो पेरेंट्स की गाइडेंस जरूर लेना। एक सबसे कमीना दोस्त होता है आपके ग्रुप में, उसकी गाइडेंस कभी मत लेना। मैं तो उस दोस्त के सख्त खिलाफ हूँ, उसको पता नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो आपको फंसवा और देगा किसी ना किसी कांड के अंदर। तो उसके साथ जो है कभी मत जाना। पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, काउंसलर से बात करो, साइकेट्रिस्ट से बात करो, साइकोलॉजिस्ट से बात करो, जिससे बात करनी है करो, बट एटलीस्ट टेल योर प्रॉब्लम टू समवन। आपको पता कैसे लगेगा कि आप अल्कोहलिज्म के शिकार हो गए, भाई पढ़ाई में मन लगना बंद हो चुका है, सारा ध्यान शराब के पीछे ही जा रहा है, पैसे लूटना चालू कर रहे हो लोगों के क्योंकि पैसे जुटाने हैं आप ड्रग्स के लिए। एक बार बताओगे अजीब लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक अगर आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसते हो तो। अगर आप एक अच्छे दोस्त हो और आपका कोई दोस्त इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उसके पेरेंट्स को भी बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स भी इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और डॉक्टर्स की गाइडेंस में भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो सकता है, राइट? सो अल्कोहलिज्म का जो राइज है ये यूथ में बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके रीजन मैं आपको बता चुका हूं, बॉलीवुड की मूवीज, काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल एड्स जो कि यूथ को थोड़ा सा भटकाते हैं और थोड़ा सा ले जाते हैं अल्कोहलिज्म की तरफ, और इसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इसलिए हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, जिससे कि हम कोई डेंजरस बिहेवियर पैटर्न चेंज होने से पहले ही बच्चे को सुधार सके। अदरवाइज समझ लो वो चोरी करने लग गया पैसे के लिए और उस पैसे से ड्रग्स खा के आ रहा है, और उसके बाद पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर रहा है, कहीं वो कोई अपराध ना करने लग जाए पैसे के चक्कर में। जो आप फिल्मों में देखते हो कि एक बार बच्चे को लत लग चुकी है, अब पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकता है, तो काफ़ी सारे ड्रग माफिया जो है वो बच्चों को बोलते हैं भाई ये काम कर दो, वो गलत काम कर दो, यहाँ ड्रग्स अप्लाई करके आओ, एक पुड़िया तुम रख लेना, एंड बच्चे वो करते हैं क्योंकि अब उस टाइम पे उनका पूरा माइंड जो है ड्रग और उनकी एडिक्शन कंट्रोल कर रही। सो इतना फंसने से पहले ही अपने घर वालों को सब कुछ बता दें। तीन तरीके के ड्रग्स जो कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं, अब्यूज का मतलब मैं आपको बता चुका था, औकात से ज्यादा ड्रग लेना और बिना उनकी जरूरत के ड्रग लेना इज अब्यूज। यानी मैं समझ लो एक रेलेवेंट एग्जांपल लेके बताता हूँ, समझ लो पैरासिटामोल मैं खाता हूँ जब मेरे को बुखार चढ़ता है या सर दर्द होता है, मैं पैरासिटामोल खा लेता हूँ। अब मुझे हो गया नशा, समझ लो इट्स अ एडिक्टिव ड्रग, मैं दिन में 5 पैरासिटामोल खा रहा हूँ बेवजह ही, देन आई एम अब्यूजिंग दैट पीसीएम, मैं उसको अब्यूज कर रहा हूँ, राइट? तो ओपियोइड इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग, कैनाबिनॉइड इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग, एंड कोका अल्कलॉइड जिसमें कोकेन वगैरह आते हैं, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग। इनमें से ज्यादातर ड्रग जो आप पढ़ोगे ये प्लांट से आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट से, इनफैक्ट यानी एंजियोस्पर्म से। इनके लेटेक्स से ड्रग बनेंगी जैसे ओपियोइड में बनती है, इनकी इन्फ्लोरेसेंस से ड्रग बन सकते हैं जैसे कैनाबिनॉइड्स में बनती है, इनकी पत्तियों से, इनके फ्लावर्स से, ओके, इनसे निकलने वाली रेजिन से अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बन सकती हैं। कुछ जो है इनमें से फंगस से भी तैयार करी जा सकती है। तो पहली कैटेगरी जो है ये ओपियोइड है। अब ओपियोइड जब आप ड्रग लोगे तो कहाँ इंपैक्ट होगा, कहाँ जाकर के वो ड्रग्स उगेंगी? ओपियोइड रिसेप्टर पे, यानी हमारी बॉडी के रिसेप्टर जो ओपियोइड को रिसीव करते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल के रिसेप्टर्स की बात करी थी ना यहाँ पे, ऐसे अगर आप ओपियम खाओगे तो ओपियोइड रिसेप्टर के पास ये ड्रग जाएगा। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, यानी एलिमेंट्री कैनाल पे। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर ये असर करते हैं। हीरोइन जो है, ओके, कचरा सेट कहते हैं, गंजा हीरोइन का धंधा, वो जो हीरोइन है इट इज नथिंग बट अ वाइट ओडरलेस पाउडर। इसमें कोई खुशबू या दुर्गंध नहीं आती, वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन बिटर पाउडर रहता है, ओके, जिसे कॉमनली स्मैक कहा जाता है। तो हीरोइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्मैक, विच इज फॉर्म्ड बाय द डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यानी जो मॉर्फिन है उसके ऊपर 2 एसिटाइल ग्रुप आपने लगा दिए, ये आपका मॉर्फिन है, इसके ऊपर 2 एसिटाइल ग्रुप आपने लगा दिए, तो क्या बन गया? डाई एसिटाइल यानी 2 एसिटाइल मॉर्फिन, यानी क्या बन गया? आपका हीरोइन बन गया या आपका स्मैक बन गया। तो डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये बनता है, और जैसा मैंने आपको बताया था ये लेटेक्स से निकलता है ऑफ अ प्लांट कॉल्ड एज पॉपी प्लांट। नाम है पॉपी, पेपावर सोमनीफेरम, पेपा और पॉपी का साउंड सेम है ना, पेपावर सोमनीफेरम। यूजुअली इन्हें स्नॉर्ट किया जाता है यानी सूंघा जाता है, जैसा आपने काफी फिल्मों में देखा होगा, एक कार्ड सा लेकर के इसको पीसते रहते हैं और उसके बाद सूंघ जाते हैं नलकी सी बना करके, या इंजेक्शन से भी लिया जा सकता है। ये डिप्रेसेंट है यानी आपको डिप्रेशन में भेज देता है। डिप्रेशन इन द सेंस, समझ लो बहुत जिंदगी टफ रही है, भाग दौड़ रही है, डिप्रेशन मतलब आपके माइंड को एकदम स्लो डाउन कर देगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको नींद जो है एकदम झटपट आ जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन इन द सेंस एकदम स्लो हो जाएंगे बॉडी फंक्शन,
कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल गो इनटू द स्ट्रेस यू नो फ्री जोन, आप एक जोन ऑफ यूफोरिया में चले जाओगे जहां आपको अच्छा अच्छा फील होगा कि सारी चीजें स्लो चल रही हैं, झूम रहे हैं, घूम रहे हैं इस तरीके से। और इसीलिए ज्यादा अब्यूज किए जाते हैं क्योंकि इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये लोगों को काफी अच्छे लगते हैं, यार स्ट्रेस फ्री हो गए ना यार, गांजा मार लिया बहुत मजे आ गए ऐसा। तो आप किसी से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जब आप स्ट्रेस में होगे कि यार मुझे गांजा मार लेना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस। ये आपकी बॉडी को एक्सट्रीमली स्लो बनाता है और आपके CNS पर भी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी दुष्प्रभाव क्रिएट करता है। यह आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ओके, नाइट्रोजन यहां पर लगा हुआ है। इस मॉर्फिन पर आप दो एसिटाइल ग्रुप लगाओगे तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी हीरोइन बन जाएगा। ओपियम पॉपी, यह आपका पॉपी प्लांट है ठीक है, इसके लेटेक्स से आपका क्या बनेगा, हीरोइन या स्मैक तैयार होगा। सेकंड जो आपकी कैटेगरी है ये कैनाबिनॉइड, तो अब आप कैनाबिनॉइड अगर ले रहे हो बॉडी के अंदर तो कहां जाएगा, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के पास। तो आपके ओपियोइड रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे प्रेजेंट थे, यहां पर ऐसा नहीं, यहां पे सिर्फ ब्रेन में आपके, यानी कंप्लीट CNS में भी नहीं, सिर्फ ब्रेन में आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लावर्स हैं इनके, प्लांट कैनाबिस के, नाम ही कैनाबिनॉइड है तो कैनाबिस नाम के प्लांट से निकाले जाते हैं। इसके इन्फ्लोरेसेंस जो है कैनाबिस सैटिवा के, यानी इसके जो फ्लावर्स है, इसके जो लीफ है, रेजिन जो है, गम वगैरह जो है इसका, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाकर अलग अलग प्रकार के ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। जैसे मिरवाना जिसमें यूजुअली लीफ होते हैं, हशीश है, देन आपका चरस है, गांजा है, ये सारी चीजें कैनाबिनॉइड्स से ही बनते हैं, कैनाबिस सैटिवा से ही बनते हैं। इनका जो है इनहेलेशन ओरल इंजेक्शन से किया जाता है, यानी डायरेक्टली इन्हें मुंह से खाया जाता है। और ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, यानी आपके हार्ट को स्लो बनाते हैं, इनफैक्ट आपको अटैक भी आ सकता है अगर आप ओवरडोज ले लेते हो कैनाबिनॉइड्स का। तो ये आपका एक कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है जिसमें दो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, OHOH, दो अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि आपका जो मॉर्फिन था इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप था सिर्फ, यहाँ पर नहीं, इसमें भी दो थे पर ये टर्मिनल ग्रुप्स थे। और इन दोनों में देखो ओरिएंटेशन अलग अलग है, ओरिएंटेशन अलग अलग है, यहाँ पे क्या आपका ओरिएंटेशन एकदम सेम है और पास पास ठीक है, सेम रिंग के ऊपर है, दिस इज कैनाबिनॉइड। तीसरी कैटेगरी है कोका अल्कलॉइड या कोकेन, अब नाम ही कोका है तो कोका वर्ड ही यहां पर कोकेन के अंदर आ रहा है ओके। तो एरिथ्रोजाइलम कोका नाम का प्लांट है, कोका वर्ड आ चुका है, उसी से ये जो कोकेन है निकलता है, साउथ अमेरिका में प्लांट्स पाए जाते हैं। सो इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, यानी डोपामिन जो है ये सिग्नल लेके जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, समझ लो ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन से सिग्नल आपका दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होना चाहिए, बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसफर के साथ क्या करता है, छेड़खानी करता है, इस कोकेन को, नाम कोक कोक बहुत जगह आएगा, जैसे कोकेन को कोक भी बोला, क्रैक भी बोला, तो सी और के का साउंड तो जबरदस्त है यहां पे। ये यूजुअली स्नॉट किए जाते हैं, सूंघे जाते हैं, और इनका एक्शन स्टिमुलेटिंग होता है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपको एक सेंस ऑफ यूफोरिया देता है, इंक्रीज हो जाती है आपकी एनर्जी, और अगर आप एक्सेस डोज लेते हो तो हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, एंड जब आपका दिमाग हद से ज्यादा काम कर रहा है तो आप कुछ भी सोचने लग जाओगे और आप एक इमेजिनरी लैंड में पहुंच जाओगे। जैसे आप सोच रहे हो कि आप अमेरिका में घूम रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी चीजें हैं यू कैन थिंक ऑन इट, राइट। एक और प्लांट है जैसे एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा, कन्वेंशनली भी खाया जाता है दतूरा, इसके भी जो है काफी सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जिसके लिए लोग इसे कंज्यूम करते हैं ओके। सो कैनाबिनॉइड जो है ये यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा भी अब्यूज किए जाते हैं, यानी जैसा मैंने आपको बताया इससे एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, सेंस ऑफ यूफोरिया आएगा, तो उस इंक्रीज एनर्जी से आप ज्यादा तेज भाग पाओगे, ज्यादा खेल पाओगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दतूरा का प्लांट आपको यहां पर दिखाया हुआ है, दतूरा का मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हो सकता है दे दूं आपको, डाइसेक्शन भी करके दिखाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली या तो सर्च कर लेना डाइसेक्शन ऑफ दतूरा बाय ओजोन क्लासेस, आपको ये वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने इसकी इन्फ्लोरेसेंस को, इसके फ्लावरिंग पैटर्न को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और दतूरा आप एक बार देख लोगे तो आपको ये डायग्राम जिंदगी भर याद भी रहेगा, राइट।
सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन कैटेगरीज है, आपका ओपियोइड जो कि ओपियोइड रिसेप्टर पे अटैक करता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होता है। यूजुअली आपका यू नो लेटेक्स से तैयार किया जाता है आपका हीरोइन विच इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसे आप स्मैक भी कहते हो, और पैपावर सोमनीफेरम से ये निकाला जाता है। कैनाबिनॉइड जो है ये कैनाबिस सताइवा नाम के एक प्लांट से निकाला जाता है जिसके इन्फ्लोरेसेंस लीव्स और भी काफी सारे चीजें जैसे रेजिन को मिक्स करके चरस गांजा हशीश अफीम ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं। मेन जो इसके सेंटर्स हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स भी आपके ब्रेन में पाए जाते हैं और ये आपके हार्ट को इम्पैक्ट करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे कोका अल्कलॉइड तो इसे कोकेन कोक या क्रैक भी कहा जाता है जो यूजुअली स्नॉर्ट किया जाता है। यह आपके एनर्जी को बढ़ा देता है और इसीलिए इसे अब्यूज भी किया जाता है बाय स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब काफी सारे और भी ड्रग है जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं एम्फिटामाइंस हैं बेंजोडाइअज़ेपीन है ये जो है ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पे पेशेंट को ये दिए जाते हैं उन पेशेंट्स को जो मेंटली इल है यानी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या इंसोमनिया से जूझ रहे हैं। इंसोमनिया मतलब नींद ना आना और डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग का स्लो हो जाना। दोनों ही केसेस में उनमें एनर्जी भरने के लिए काफ़ी सारी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इसी प्रकार से मॉर्फिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन जो है ये आपका सिडेटिव है एंड पेन किलर है, यानी समझ लो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा और आपका पैर जो है कट चुका है बहुत बुरे तरीके से, तो अब आपको दर्द हो रहा है और उस दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो उस दर्द का निवारण करने के लिए और आपको नींद दिलाने के लिए सिडेटिव आपको देना है, पेन किलर आपको देना है जो कि मॉर्फिन है। लेकिन अब सर्जरी के टाइम पे आपको मॉर्फिन दिया तो ठीक, लेकिन अब अगर आप इसको अब्यूज कर रहे हो तो दिक्कत है। अब आपको मॉर्फिन की लग गई लत, अब आपकी टांग भी ठीक हो चुकी है, आप फिट एंड फाइन हो, 6 महीने हो चुके हैं एक्सीडेंट को, सब ठीक है, आप काम पे जाने लग चुके हैं, लेकिन मॉर्फिन की आदत पड़ गई, देन यू आर अब्यूजिंग इट। सो काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं, उनके फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे दतूरा वगैरह है, तो इनको जो है हमारी फोक मेडिसिन में जिक्र में लाया गया है। रिलीजियस सेरेमनीज में भी इनका जिक्र है, जैसे कहा जाता है कि भाई होली पे भांग पियेंगे, तो भांग क्या है, नशीला पदार्थ है, और उसके पीने का जिक्र हुआ है, यानी हमारे रिचुअल्स में इनका जिक्र है कि हम इनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो ये एक इंसान की फिजिकल एबिलिटी, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी और साइकोलॉजिकल फंक्शंस पर भी अफेक्ट कर सकता है, यानी एक इंसान जो है दिमागी तौर पर कमजोर हो सकता है, उसको शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानसिक तकलीफें हो सकती हैं और उसकी बॉडी के रिएक्शंस भी ठीक तरीके से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये करें कि नशे के हर पदार्थ से दूर रहें। जैसे स्मोकिंग जो है ये पेव करता है वे टू द हार्ड ड्रग्स, कहने का ही मतलब है अगर आप स्मोक करने लग गए, बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, तो आप हार्ड ड्रग्स भी आगे चल के लोगे गारंटी के साथ, क्योंकि आपकी बॉडी में रिसेप्टर बनना स्टार्ट हो चुके हैं फॉर टबैको, वो अलग अलग प्रकार की तंबाकू आपसे मांगेंगे। अगर आप स्मोक कर रहे हो यानी सिगरेट पी रहे हो तो वो चाहेंगे कि आप चबाओ भी तंबाकू को, आप स्नफ भी करो, सूंघो भी तंबाकू के अलग अलग प्रोडक्ट। लगभग 400 साल से तंबाकू जो है उगाई जा रही है बाय ह्यूमंस और कंज्यूम करी जा रही है। तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है विच इज एन अल्कलॉइड विच इज एन नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे निकोटीन में ही नाइट्रोजन यानी एन का साउंड आ रहा है, सो वी कैन इजिली लर्न इट अप। जैसा मैंने आपको बताया था आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, तो आपके ब्लड प्रेशर को हमेशा हाई रखेगा जिससे आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आप तंबाकू अगर खाते हो तो आपको काफी सारी और भी बीमारियां हो सकती है इंक्लूडिंग ओरल कैंसर, आप स्मोक करते हो तो लंग कैंसर हो सकता है। आप कभी पिक्चर देखने जाओ सिनेमा हॉल में, दो लड़कियां या दो लड़के किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको मिल सकते हैं, 3-4 ऐड है एक कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जैसे मुकेश का ऐड पहले मिलता था, मुकेश गुटका का, कि मैं स्मोकिंग करता था और फिर मेरी डेथ हो गई, 21 साल का मुकेश। अब एक नई आती है 26 साल की सुनीता, जिसके मुंह का ऑपरेशन दिखाया जाता है खोल करके मुंह एकदम, कि भाई मुझे ओरल कैंसर हो गया है। तो अगर मुकेश और सुनीता जैसा नहीं बनना, अगर लंग कैंसर से बचना है, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर से बचना है, थ्रोट कैंसर से यानी माउथ कैंसर से बचना है, ब्रोंकाइटिस से बचना है, लंग्स को करेक्ट रखना है, एम्फिसीमा से बचना है, सांस की तकलीफों से बचना है, हार्ट अटैक से नहीं मरना, गैस्ट्रिक अल्सर से बचना है, ओरल कैविटी के कैंसर से बचना है, तो क्या करो, तंबाकू आज ही छोड़ो। इनफैक्ट जो चीजें हम लोग खरीद के लाते हैं उनके ऊपर भी तो स्टैट्यूटरी वार्निंग दी होती है, उनके ऊपर भी एक पर्टिकुलर
पोर्शन डिसाइडेड रहता है, फिक्स रहता है कि इससे ज्यादा में तो आपको बताना ही बताना है दैट इट इज कैंसर कॉजिंग, लेकिन तब भी लोग उसको प्रेफरेबली पीते हैं। जब आप तंबाकू खाते हो तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन बहुत प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा प्यार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा कम और ऑक्सीजन से सबसे कम। यानी अगर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ चुका है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कभी बाइंड नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा हो रही है कम, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जानलेवा है उसकी मात्रा हो रही है ज्यादा, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जब आप कभी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खरीदेंगे या देखेंगे एड में तो आपको पता लगेगा, हालांकि मत ही खरीदना, एड में ही देख लेना, इसके ऊपर एक वार्निंग होती है कि भाई ये जानलेवा है, और यहां पर यह भी बताया जाता है कि इट इज एडिक्टिव इन नेचर। तो अगर आप गलती से कहीं कदम रख देते हैं तो काउंसलिंग लीजिएगा, मेडिकल हेल्प लीजिएगा और इस दलदल से बाहर आ जाइएगा, लेकिन इस चीज में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। एडोलेसेंस में यानी एक पर्टिकुलर एज पीरियड होता है ना 12 से 18 का, ये बहुत सेंसिटिव रहता है, क्योंकि जो 12 से 18 की उम्र है, 12 से पहले आप एकदम ही बच्चे थे, चाइल्डहुड, बचपन में थे, चाइल्ड थे, और 18 के बाद जब आपकी टीनेज खत्म हो जाती है ना, 19 के बाद आप अडल्ट हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। ये जो बचपन और जवानी के बीच का फेज है ना, ट्रांजिशन फेज जो है, ये सबसे खतरनाक है। इसमें मन सबसे चंचल होता है और फालतू चीजों पे सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। यहाँ पे 12 से 18 की उम्र में आपके पास टाइम है पूरा, एनर्जी है पूरी, दिमाग चारों दिशाओं में घोड़े की तरह दौड़ता है और अलग अलग चीजें, अलग अलग ख्याल बुनता रहता है। इस टाइम पे अगर आपने कोई सही चीज कर ली तो आप अर्श पे पहुंच जाओगे, और अगर कोई गलत चीज कर ली तो फर्श पे पहुंच जाओगे। ये एज सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। जिस एज में आप हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ऐसे कैजुअली ये वीडियो नहीं देख रहे हो, देन यू आर ऑफ 17, 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो। और इसीलिए ये पार्ट जो है इस चैप्टर में ऐड किया गया है। एडोलेसेंस एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। ये पीरियड है आपकी उम्र का 12 से 18 साल तक, और ये प्रोसेस है जहां आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं काफी सारे, आपकी बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं। 12 से 18 साल के बीच में आप किसी को कुछ नहीं समझते। 11 साल तक कोई अंकल आए हैं तो उन्हें तुम कविता सुना दोगे बैठ करके, भैया हमारा बच्चा कविता सुनाएगा, ट्विंकल ट्विंकल सुनाएगा, सुना दोगे। उसके बाद तुम अच्छा अच्छा भी नहीं सुनाओगे अगर कोई तुम्हें कह देगा तो। उसके बाद तुम में अलग चौड़ आ जाती है, अलग लेवल पे तुम अपने आप को बादशाह समझने लग जाते हो। किस बात के लिए, वो तो अभी एक रहस्य है और वो सबके लिए रहस्य है। बिहेवियरल चेंजेस जब आते हैं तो आप चीज़ों को कैजुअली लेने लग जाते हो, राइट। आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल रश होता है, एकदम शूट होता है हार्मोन्स का। जो फीमेल्स होती हैं उनके शरीर में बदलाव होने लग जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, हिप डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो जेनिटल रीजन है वहाँ पर प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉइस जो है उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और हार्मोन्स का तो अलग लेवल पे रश है। तो आप अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हो, विच इज़ अ राइट थिंग, उस उम्र में पता नहीं लगता और गलती करने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई रोक टोक नहीं है। सो एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, या एक्सपेरिमेंट के लिए, या जस्ट बाय क्यूरियोसिटी कुछ जानने के लिए आप जो है ड्रग को पहली बार हाथ लगा देते हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, चाहे वो कुछ भी हो, और इससे आपको बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। बेनिफिट क्या मिलते हैं सर? बेनिफिट ये मिलते हैं कि आप जग की समस्याओं को भूल जाते हो। मैंने कहीं पर एक बहुत ठीक सा कोटेशन सुना था, वो ये था कि शराब पीने से किसी चीज का हल नहीं मिलता, लेकिन आप समस्या भी भूल जाते हो। तो वो भी एक सही चीज है शराबियों के लिए कि हाँ, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी प्रॉब्लम का, बट एटलीस्ट आई एम ऑल्सो नॉट पॉन्डरिंग ऑन प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं पता क्या है, राइट। सो जब भी आपको प्रॉब्लम्स को फेस करने से बचना होगा तो आप शराब पकड़ लोगे। जब आपको कूल और प्रोग्रेसिव दिखना होगा अपने दोस्तों के सामने, आप शराब पकड़ लोगे। इस दौरान आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगी, या आपको पहले से फैमिली सपोर्ट नहीं मिला तो शराब ही आपका एकमात्र सहारा बन जाएगी। पीयर प्रेशर, हर कोई आपको तंग कर रहा है, भाई उसके इतने नंबर आते हैं तुम्हारे क्यों नहीं। तुम फेलियर से बचना चाहते हो, फेलियर से दूर भागना चाहते हो, और अगर फेलियर तब भी आ गया तो शराब को गले लगा लेते हो। तो आपको ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपका कोई साथी नहीं है तो शराब आपके साथ है, ये आपको और प्रेरित करती है कि इस चीज़ का बार बार इस्तेमाल किया जाए। एंड दैट्स वाई शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इज़ अ वेरी लार्ज इकोनॉमी इन इंडिया। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किताबों से ज़्यादा शराब बिकती है हमारे देश के अंदर, और इकोनॉमी का जो पार्टिसिपेशन है शराब का, वो किताबों से शायद ज़्यादा है, राइट।
तो एडिक्टिव नेचर की वजह से आपको छूटने तो देती नहीं है। एडिक्शन मतलब साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो चुकी है आपको किसी चीज के साथ और उससे परसीव्ड बेनिफिट्स के साथ। यार मैं शराब पीता हूँ ना तो झूम जाता हूँ, तब आपको झूमने के लिए, चाहे आप झूमते भी ना हो लेकिन अब आपको झूमने के लिए एक सहारा मिल चुका है कि यार मुझे ये चीज मिलती है मैं तो इसके लिए शराब पीऊंगा। और आप ऐसे टाइम पर भी शराब पीने लग जाते हो जब उसकी जरूरत नहीं है। पहले तो आपने प्रॉब्लम से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए जब थके हुए थे उस टाइम पर इस चीज का सहारा लिया, लेकिन अब आप किसी भी टाइम स्टार्ट हो जा रहे हो तो अब आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा चुके हो। अब आपकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ चुका है इन रिसेप्टर्स का और अब आप एक विशियस साइकिल के अंदर फंस चुके हो कि अब आप 30 ml अगर पहले पी रहे थे तो रिसेप्टर अब 60 ml मांग रहे हैं, 60 ml पी रहे हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए कि अब ये शांत हो जाएंगे, तो 120 ml मांग रहे हैं, 120 ml पी लिया रिसेप्टर्स को शांत करने के लिए तो आधा लीटर शराब मांग रहे हैं। अल्टीमेटली यू विल बी ड्रिंकिंग 1-2 bottles अ डे अगर इस साइकिल में आप पड़ जाते हो। छोड़ने की कोशिश करोगे तो वैसे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि विड्रॉवल सिम्टम में आपको एंजाइटी हो जाएगी, शेकीनेस यानी बॉडी कांपने लग जाएगी, नौजिया मन खराब हो जाएगा, स्वेटिंग पसीने छूट जाएंगे, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और आप नहीं छोड़ पाओगे जब तक आपको प्रॉपर सुपरविजन ना मिले। कोई डॉक्टर या कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ही आपका ये काम करवा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग को अब्यूज करते हो तो आपका बिहेवियर रेकलेस हो जाएगा, यानी आप किसी को कुछ नहीं समझोगे चाहे वो आपके पिताजी ही क्यों ना हो। वैंडलिज्म एंड वायलेंस यानी आप लोगों पे हाथ पैर उठाने स्टार्ट करोगे पैसे के लिए, ड्रग के लिए। कोई आपको कुछ समझाएगा तो आप उसे कुछ नहीं समझोगे, इन्फेक्ट हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ रोज झगड़ा करके बाहर चले जाओ ड्रग्स के लिए या शराब के लिए। इससे आपकी कोमा में जाकर डेथ भी हो सकती है, डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग लेते हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा और ब्रेन भी फेल हो जाएगा ड्यू टू हेमरेज। बच्चों की उम्र में वार्निंग साइंस क्या है पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा ड्रग की चपेट में आ चुका है? अकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक से ड्रॉप हो जाना, यानी बच्चा पहले 95% फोड़ रहा था अब 65 फोड़ रहा है, क्या अचानक से गड़बड़ हो गई? या तो रिलेशनशिप स्ट्रेस है या ड्रग का स्ट्रेस है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज से ड्रॉप मार रहा है, भाग रहा है बाहर और आपको बिना बताए भाग रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, बाल वाल नहीं कटे हुए हैं आराम से जो है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी है, गंदे तरीके से अपने आपका ख्याल ना रखना, अपने रूम का ख्याल ना रखना, लोगों से कटते रहना, अकेले रहना, डिप्रेशन में रहना, थका हुआ रहना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लोगों से विद्रोह की भावना रखना, रिलेशनशिप्स टूट जाना, किसी से ठीक से बात ना करना, फैमिली और फ्रेंड्स बिखर जाना, किसी को ना संभाल पाना, हॉबीज पहले गिटार बजाता था अब नहीं बजाता, राइट? किसी भी टाइम सो रहा है, किसी भी टाइम उठ रहा है, किसी भी टाइम खा रहा है, वेट कम ज़्यादा हो रहा है, भूख नहीं लग रही, सारी चीज़ें। शराब इंसान को मजबूर कर देती है चोरी करने पर भी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे कमाते तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है पहले पेरेंट्स के जेब से चोरी करेंगे और फिर बाहर कोई ना कोई कांड करेंगे, किसी ना किसी वारदात को अंजाम देंगे और फिर क्राइम पेट्रोल में आएंगे चोरी करके। तो मेंटल स्ट्रेस तो यहाँ पे फैमिली को होता ही है क्योंकि ये जो शराब है इकलौते इंसान को नहीं डुबाती है, पूरे फैमिली को डुबाती है इन अ सोशल पर्सपेक्टिव। तो फैमिली को भी पैसे की तंगी होती है एंड मेंटल स्ट्रेस भी होता है। काफी सारे ऐसे ड्रग है जो इंट्रावेनसली लिए जाते हैं, यानी वेन में इंजेक्ट किए जाते हैं बाय इंजेक्शन, और जब 4-5 दोस्त बैठ करके सेम इंजेक्शन से अपने आप को इंट्रावेनसली ड्रग दे रहे हैं तो इससे एक को अगर एड्स या हेपेटाइटिस बी है ऐसी बीमारी सब में फैलने के चांसेस हो जाते हैं और बच्चों की डेथ भी हो सकती है। ये जो बीमारियां हैं ये यूजुअली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो सकती हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फंडामेंटल प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज। देखा गया है कि एड्स और हेपेटाइटिस भी ड्रग अब्यूजर्स को भी बहुत ज्यादा होती है, राइट? अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक शराब पीता है तो उसका लिवर खराब हो जाता है, लिवर के टिश्यू सड़ने गलने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, जिसे लिवर सिरोसिस कहा जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ शराब पीती है तो उसके फीटस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी उसके बच्चे को मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। काफी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज किया जाता है बाय स्पोर्ट्स पर्सन, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कोका अल्कलॉइड वाली कैटेगरी में, तो यहां पर वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लेते हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक जो उनकी बॉडी में एनाबॉलिज्म बढ़ा दे, उनकी बॉडी टफ हो जाए, डायूरेटिक्स लेते हैं, ओके, हॉर्मोन्स लेते हैं जिससे उनकी बॉडी में हॉर्मोनल रश हो और मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वो बहुत तगड़े तरीके से एग्रेसिव हो जाए। फीमेल अगर ऐसे ड्रग्स का उपयोग करती है, जैसे कोई पहलवान है वो ऐसे ड्रग ले लेती है, तो उनमें मस्कुलाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, मस्कुलाइन कैरेक्टर मतलब मेल जैसे कैरेक्टर, क्योंकि बॉडी मर्दाना हो जाएगी, वो एग्रेसिव हो जाएंगी एक मेल की तरह,
उनमें मूड स्विंग्स हो जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकती हैं वो, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हम मेल लाइक कैरेक्टर हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली स्किप हो जाती है, एक्सेसिव हेयर आ जाएंगे, जैसे मेल की दाढ़ी आती है, मूछ आती है, ऐसे दाढ़ी मूछ जो है फेशियल हेयर हाइपर ट्राइकोसिस देखने को मिलता है, क्लिटोरिस एनलार्ज हो जाएगी, वॉइस डीप हो जाएगी, भारी हो जाएगी मर्दों जैसी, एक्ने आ जाएगी यानी शरीर पर जो है छोटी छोटी फुंसियां होने लग जाएंगी जैसी मेल्स के अंदर होती है व्हेन दे आर एट अ स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स आने लगेंगे मेल्स के अंदर भी अगर आप बात करें तो, सेम डिप्रेशन आने लग जाएगी, टेस्टिकल्स का साइज घट जाएगा यानी वो इम्पोटेंसी की तरफ जाने लगेंगे और सेक्सुअल बिहेवियर उनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा यानी इम्पोटेंसी की तरफ ये कैरेक्टर भी उनको ले जा रहा है, किडनी और लीवर भी खराब हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टॉक्सिकेशन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है यानी उनकी चेस्ट जो है वो ब्रेस्ट में तब्दील हो सकती है, इसे गायनेकोमेशिया कहा जाता है, बॉल्डनेस हो जाएगी यानी गंजे हो सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल तो नहीं ड्रग अब्यूज अगर कर दिया है तो, और ये सारे इफेक्ट परमानेंट भी हो सकते हैं अगर कंटिन्यूसली इन ड्रग्स को लिया जाए, जो फीमेल्स होती हैं उनमें ग्रोथ उनकी कम हो सकती है, हाइट टिंगी रह सकती है, क्यों, क्योंकि उनके जो ग्रोथ सेंटर्स थे हड्डियों के अंदर वो यूजुअली क्लोज हो जाते हैं तो हड्डियां बढ़ना बंद हो जाती हैं और हाइट जो है एक लेवल पे आके रुक जाती है। अब क्या करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी फंस के निकलने से बेहतर है फंसो ही मत, तो यंग एज पे जब आपके पास अपने दिमाग का कंट्रोल है उस टाइम पर आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है, और अगर पड़ भी गए तो झटपट रिमेडियल मेजर्स लो और अपने आप को इस चंगुल से बचा लो। कैसे कैसे, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अवॉइड करें अनडू पीयर प्रेशर, यानी हम जो है बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें। आपका बच्चा बोलता है डॉक्टर नहीं बनना, नीट नहीं निकालना, उसको कुछ और करना है, पेंटर बनना है, यार बनने दो। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना है, उसकी खूबियों को पहचानो और उसको उसी प्रकार से हेल्प करो। एडुकेशन एंड काउंसलिंग, उन्हें बताओ यार कि डिसअपॉइंटमेंट सबकी लाइफ में होते हैं, गिरकर ही उठा जाता है, आपकी लाइफ में अगर फेलियर आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो और उनकी जो एनर्जी है उसे ठीक तरीके से चैनलाइज करो, उनसे योगा करवाओ, राइट, उनको खेलने के लिए भेजो, उनका ख्याल रखो, उनसे प्यार करो, उनसे बातें जब आप करोगे तो वो आपको बेहतर बेहतर चीजें बताएंगे। सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अगर कभी आपको लगता है एज अ फ्रेंड कि आपका कोई दोस्त मुसीबत में है तो आप जो है अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनके पेरेंट्स से बात करिए, टीचर्स को बताइए एंड अल्टीमेटली उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। डेंजर साइंस को कभी इग्नोर ना करें, एज अ पेरेंट, एज एन अलर्ट पेरेंट एंड टीचर बच्चों की एक्टिविटीज को नोट करते रहिए, ट्रैक करते रहिए, और कभी अगर आपको लगता है कि वो फंस चुके हैं तो इमीडिएट रेमेडियल मेजर्स लेके उन बच्चों को बचाइए। प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, यानी अगर कभी आप इस चीज में फंस भी गए हैं तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, डी एडिक्शन सेंटर में जाइए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाइए, जहां पर आपको 2, 3, 4, 5, 6 महीने के प्रोग्राम के दौरान शराब के बुरे इफेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आपको शराब छुड़वा भी दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम ड्रग्स। सो दिस वाज अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और दो चीजें आपकी बचती हैं, एक टॉपिक आपका बचता है एड्स, जो कि छोटा सा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका बचता है कैंसर, विच इज अगेन अ स्मॉल टॉपिक, इन दोनों को हम लोग सेपरेटली करेंगे, और उसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, जिसके बाद हमारी ये वाली यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी, एड्स और कैंसर होते ही, जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है इकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, बायोटेक कंप्लीट हो चुकी है, राइट, आपका रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एक चैप्टर आपका बचेगा सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड वो यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 12th कंप्लीट हो जाएगी, एक और चैप्टर करते हैं, इवोल्यूशन बचेगा, सॉरी, राइट, सिर्फ इवोल्यूशन बचेगा, तो दो चैप्टर आपके बचेंगे, एंड 11th में टोटली 3 चैप्टर्स आपके बचे हुए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉकरोच, वो भी मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा, कोशिश करेंगे इस वीक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो क्रैश कोर्स को ले लीजिए यार, सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट देख लेंगे और हमारे टीचर्स का पढ़ाया हुआ कंटेंट देख लेंगे तो बायोलॉजी में आपके 360 नंबर कोई नहीं रोक सकता, और ये दुनिया का सबसे क्रिस्प कंटेंट आपको मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा टाइम आपका मैं यहां पर नहीं लूंगा, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे और एक भी चीज नहीं छूटेगी, तो आपके मन में फोबिया नहीं रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रहेगा, तो आप एक बार इस कोर्स को जरूर चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और 100 डेज क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए और सारे टीचर से अच्छे तरीके से मुखातिब हो जाइए। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन है मार्क्सअप लर्निंग ऐप, जिसके ऊपर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर क्रैश कोर्स के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज आप उन्हें भी ले सकते हैं,
और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आज इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बहुत बहुत शुक्रिया. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे कैंसर और एड्स की वीडियो आने वाली है उसको भी जरूर देख लीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव. जय हिंद.